आपकी इतनी डिमांड पूरे देश भर में प्रचार के लिए क्यों हो रही है आजकल रिश्ता जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया तो मुश्किल क्या आसान आपकी इतनी डिमांड पूरे देश भर में प्रचार के लिए क्यों हो रही है आजकल? हेलो दोस्तों नमस्कार मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन मेरे दोस्तों किसी ने ठीक कहा है कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया तो मुश्किल क्या और आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया मेरे प्यारे साथियों 2023 को अलविदा करते हुए 2024 का वॉम वेलकम करते हुए मेरे दोस्तों आज की इस क्लास को हम शुरू करना चाहेंगे 2023 की ये सबसे लास्ट क्लास है मेरे दोस्तों और इस 2023 के उतार चढ़ाव भरे इस मेरे दोस्तों समय में जहां पर बहुत से ऐसे मौके आए जब हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां थी बहुत सी दिक्कतें आई समस्याएं आई और बहुत से ऐसे भी मौके थे जब बच्चों का प्यार मिला सपोर्ट मिला भरपूर और उसकी बदौलत एक नई उमंग देखने को मिली एक ऐसा मौका आया जब 2023 में अपने विजय परिवार से पढ़ने वाले बच्चों की बी नर्सिंग कैटेगरी में फर्स्ट रैंक आई सेकंड रैंक आई टॉप टेन के अंदर बच्चों का नंबर आ जाने से एनर्जी भी मिली लेकिन बहुत सारे राज्य में काउंसलिंग में देरी हुई तो दुख भी हुआ परेशानी भी हुई और हमने एक मुहिम भी चलाई और उसके बदौलत बच्चों की काउंसलिंग शुरू भी हुई तो इस 2023 का ये जो समय है बड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा और जिसमें हमारे देश ने भी नई ऊंचाइयों को मेरे दोस्तों छुआ आपने देखा होगा चाहे वो मेरे दोस्तों चंद्रमा के पोल पर किस तरह से चंद्रयान मिशन ने मेरे दोस्तों सफल लैंडिंग की हमने उस उसकी जो मेरे दोस्तों एनर्जी है वो खुद के अंदर महसूस की हमारा तिरंगा मेरे दोस्तों सबसे ऊंचाई पर पहुंचा पूरे विश्व के अंदर उसकी ख्याति पहुंची हमने वो भी देखा मेरे प्यारे साथियों हजार तेईस की आज आखिरी क्लास और आपको आपके गार्जियन को जिनकी बदौलत विजय एजुकेशन या जिस वट वृक्ष का रूप ले चुका है इस छोटे से बीज को आपने सींचा है इस विजय एजुकेशन रूपी पौधे के मेरे दोस्तों अगर हर एक हिस्से को बनाने वाले कोई है तो वो आप है आपके गार्जन है जिनकी बदौलत आप यहाँ एक विश्वास के साथ जुड़े हैं सबसे पहले आपको आपके इस विश्वास को प्रणाम करता हूँ नमन करता हूँ मेरे दोस्तों उन माताओं बहनों को जिनकी बदौलत जिनके सपनों की बदौलत आप यहाँ पहुँचे जिनकी बदौलत आप आगे बढ़ पा रहे हो उनको नमन करता हूँ प्रणाम करता हूँ और आज का ये बच्चों 2023 की आखिरी क्लास आपके बीच लेकर के आया हूँ और समय बच्चों कब और कैसे बीत जाता है यह पता नहीं चलता टाइम जो है वो अपनी एक रफ्तार शुरुआत से लेकर के अब तक उसी रफ़्तार से चल रहा था और आज हम ये बोल रहे हैं कि भाई आज रात 12 बजे के बाद हम 2024 में प्रवेश करेंगे एक और बहुत खुशी भी है तो एक और 2023 की खट्टी मिठ्ठी जो यादें हैं बच्चों उसको कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के हमारे दिल के किसी कोने में रखते हुए हम 2024 की सुखद शुरुआत करने वाले हैं और बस मैं यही कहूँगा कि आपका 2024 खुशियों भरा हो बहुत ही बेहतरीन हो शानदार हो आप जिस आ, अपेक्षा उम्मीद को लेकर के इस विजय परिवार के साथ जुड़े हो वो आपकी उम्मीद वो आपका सपना वो आपका विजन बच्चों पूरा हो यह विजय परिवार 2024 में आपके लिए और बढ़िया चीजें लेकर के आता रहेगा और बहुत शानदार चीजें लेकर के आता रहेगा चाहे वो थ्योरी की क्लास हो चाहे वो क्यूसन हो चाहे वो टेस्ट हो चाहे मॉक टेस्ट हो मॉडल पेपर हो पी हो मोटिवेशनल सेशन हो काउंसलिंग सेशन हो हर एक मामले में पहले भी मदद की है आगे भी मदद करेंगे आने वाले समय में विजय परिवार की जो टीम है पर दोस्तों वो भी एक नई एनर्जी के साथ में आपके सामने आने वाली है और हम ये भी सोच रहे हैं कि हमारी टीम को हम और एक्सपेंड करना चाह रहे हैं और बढ़ाना चाह रहे हैं और आपको कुछ नया देना चाह रहे हैं तो मेरे प्यारे साथियों अगर वास्तव में विजय परिवार ने आपकी लाइफ में कुछ बदलाव विजय परिवार की बदौलत आया है विजय परिवार की बदौलत आपको एक नई दिशा और एक दशा मिली है तो जरूर आप इस परिवार को अप्रीशिएट कीजिएगा थैंक यू सो मच एवरीबॉडी थैंक यू सो मच शुरुआत करता हूं मेरे दोस्तों स्टार्टिंग करता हूँ और हमेशा बोलता हूँ कि मेरे दोस्तों आ, जो है इस एजुकेशन के फील्ड में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता हर एक चीज़ मुमकिन है बस आपको हौसला नहीं हारना है एक जिद और जुनून के साथ आगे बढ़ना है और मेरे दोस्तों बढ़ते ही रहना है तब तक जब तक कि हमें वो मंजिल मिल ना जाए क्योंकि किसी ने ठीक कहा है कि यह शिक्षा जो है वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा तो मेरे दोस्तों इस सिक्स रूपी दूध को पीते रहिएगा दहाड़ते रहिएगा हंकार भरते रहिएगा शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही बेहतरीन और शानदार सेशन और मेरे दोस्तों आपको आ, न्यू ईयर की बधाई देना चाहूँगा 2024 जो है इसकी अग्रिम बधाई देना चाहूँगा हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी आगे बढ़ते हैं बच्चों आज का सेशन शुरू करते हैं आप सबकी बदौलत यह सेशन आगे बढ़ेगा और इस सेशन में बहुत कुछ चीज़ें होगी सीखने वाली सो शुरू कर दे बच्चों तैयार हो आप सब कहीं किसी तरह की दिक्कत कहाँ से कहाँ से कहाँ से शुरू करें यहाँ से करते हैं शुरू ये लीजिएगा मेरे दोस्तों यहाँ से करते हैं शुरुआत है ना तैयार हो जाइएगा और आज जो मैं बच्चों 2023 का पूरा निचोड़ हर एक चैप्टर से कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट में लेकर के आया हूं, है ना तो इस स्पेशल क्लास को और स्पेशल बना दीजिएगा 2023 की इस आखिरी क्लास को पर दोस्तों जो है हमेशा यादगार बना दीजिएगा और आज अपना विजय परिवार चार लाख और पचास हजार को क्रॉस कर रहा है इसके लिए भी आप सभी को आ, मैं जो है थैंक यू बोलना चाहूंगा और बधाई भी देना चाहूंगा जी तो मेरे दोस्तों शुरू करते हैं स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं ओका, किस बनते, है? During which process ओका, है? ओका बनते हैं ड्यूरिंग विच प्रोसेस ओका जा की फ्रेगमेंट आर सिंथेसाइज कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चों ओका जा की फ्रेगमेंट बनते हैं बताइए देखें पहला है ड्यूरिंग कंटिन्यू रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए इन लेगिंग स्ट्रेंड ऑफ डीएनए ड्यूरिंग डिसकंटिन्यू रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए, बी एंड सी, डीएनए के सतत द्विगुणन के समय डीएनए के पश्चिगामी रज्जू में डीएनए के असतत द्विगुणन के समय बी और सी दोनों भाई साहब शानदार क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा दमदार तो होना चाहिए प्रियु साहू जी पियासा प्राशी लकी यादव जल्दी बताओ ज्योति कुमारी हाँ अरे छोटे लाल जी आपका आंसर भी छोटा है आपने सी बोल के हैरान कर दिया हमें थोड़ा कुछ और बोल देते हाँ इस आंसर को थोड़ा बड़ा कीजिएगा हाँ सुनिए मेरे भाई सुनिए देखो भाई ये है हमारा डीएनए यह डीएनए खुद को रेप्लीकेट कर रहा है ये इसका फाइव प्राइम है और ये इसका थ्री प्राइम है और ये इसका थ्री प्राइम है और ये इसका फाइव प्राइम है बच्चों देखो देखे हमेशा याद रखना जो थ्री प्राइम फाइव प्राइम स्ट्रैंड है इसके नीचे तो कंटिन्यू बनता है डीएनए इस तरह से तो यहां इसको तो अपन ओका जा बोलेंगे नहीं लेकिन जो फाइव प्राइम से स्टार्ट होता है ना डीएनए उसके नीचे छोटे छोटे ऐसे फ्रेगमेंट बनते हैं बच्चों डीएनए के रेप्लीकेशन के दौरान ये जो फ्रेगमेंट है ना बच्चों इनको बोलते हैं ओका जाकी फ्रेगमेंट क्या बोलते हैं ओका जाकी फ्रेगमेंट तो देखिए बच्चों ये असतती तो बन रहे हैं ना डिसकंटिन्यू बन रहे हैं तो जब डीएनए का डिसकंटिन्यू रेप्लीकेशन होता है तो उस समय ये ओका जाकी फ्रेगमेंट बन रहे ना कंटिन्यू तो ये वाला स्ट्रेंड है डिसकंटिन्यू है बच्चों दूसरी बात है ऐसे स्ट्रेंड को नाम दिया गया है लेगिंग लेगिंग कई बार हम कहते हैं ना कि भाई साहब मोबाइल में लेग आ गया हैक हो गया रुक रुक के चल रहा है तो यह भी रुक रुक के बन रहा है जबकि यह कंटिन्यू बन रहा है तो इसको लीडिंग बोलते हैं यह लीड कर रहा है सभी को यह तो लीडिंग है इसे अग्रगामी बोलते हैं अग्रगामी अग्रगामी रज्जू जो है वो होता है सतत जबकि बच्चों पश्च्यी रज्जू जो है वो होता है असतत है ना तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ देखो एक तो ये असतत द्विगुणन के समय बनता है और दूसरा ये डीएनए के पश्च्य गी रज्जु यानी लेगिंग स्ट्रैंड पर बनता है तो बच्चों बी और सी दोनों सही होंगे यानी ऑप्शन डी आपका राइट होगा अगर बच्चों में यहां पर क्वेश्चन पूछू कि लीडिंग स्ट्रेंड पर जो रेप्लीकेशन हो रहा है वो कैसा है तो आप बोलोगे कंटिन्यू सतत आप क्या बोलोगे सतत और मैं लेगिंग स्ट्रैंड के ऊपर जो रेप्लीकेशन हो रहा है वो कैसा तो आप कहोगे असतत डिसकंटिन्यू बात समझ में आई कि नहीं आई डीएनए के रेप्लीकेशन की दिशा क्या होती है फाइव प्राइम से थ्री प्राइम दिशा में रेप्लीकेशन होगा रेप्लीकेशन क्या है डीएनए से डीएनए का बनना ओके। मनुष्य के एंटीबॉडी किसके बने होते हैं ह्यूमन एंटीबॉडी आर अप ऑफ जल्दी 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 बताइएगा ह्यूमन एंटीबॉडी किसके बने होते हैं शुरू चौधरी जी प्रियंका सेली अनु शिखा महेश वैष्णवी सरिता हाँ भाई साहब और बच्चों मेरे से या मेरी विजय टीम से आपको कोई अगर नाराजगी है तो मैं उसके लिए माफी भी मांगना चाहता हूं हो सकता है किसी दिन किसी टीम मेंबर ने या गुरुजन ने थोड़ा बहुत डांट दिया होगा आपको है ना थोड़ा ऊंची आवाज में बात कर लिया होगा या हमने किसी दिन बोल दिया होगा तो ऐसा कोई भी अगर आपके दिल के अंदर मेरे दोस्तों ऐसी कोई बात है तो उसे स्थान मत देना ऐसी चीज को भूल जाना किसी के प्रति कोई नकारात्मक बात अपने दिल में अपने दिमाग में मत रखना 2024 की शुरुआत में जितनी भी नेगेटिविटी है उसको भूलना पॉजिटिविटी को लेकर के आगे बढ़ना बच्चों याद रखना है ना बिल्कुल जी तो बच्चों एंटीबॉडी नाम तो सुना होगा ना तो बताओ देखे एंटीबॉडी में ग्लाइकोप्रोटीन है स्टीरोइड है लिपोप्रोटीन है या बी और सी दोनों है बताओ देखे हां चांदनी जी अंकिता जी प्रिया जी सुप्रिया मधु काजल राजेंद्र रश्मि दानिश लक्ष्मी प्रिया सानिया बहुत ही बढ़िया शाबाश हाँ, सारे बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर देंगे प्लीज निवेदन है थैंक यू सो मच दिल से बहुत सारा थैंक यू धन्यवाद आज आप इतनी बड़ी संख्या में इस 2023 के इस आखिरी सेशन को यादगार बनाने के लिए जुड़े हैं इसके लिए आप सभी का शुक्रिया हाँ जी हाँ अरे वह मेरे शेरों का बात है अरे भाऊ एक बात सुनो ये है हमारी बी लिम्पोसाइट कौन सी लिम्पोसाइट है भाई साहब बी लिम्पोसाइट है यह हमारे जो है कमांडो है कमांडो हमारे ब्लड में जब बी बार से कोई उग्रवादी आतंकवादी आता है जब बी बार से कोई पैथोजन आता है तो भाई साहब तुरंत बी लिम्पोसाइट क्या बनाती है भाई एक प्रोटीन बनाती है किस तरह की प्रोटीन भाई साहब प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन इम्यूनोग्लोब्यूलिन और इस इम्यूनोग्लोब्यूलिन को हम क्या बोलते हैं आईजी यानी एंटीबॉडी क्या बोलते हैं इसको एंटीबॉडी एंटीबॉडी और इस पैथोजन तो को क्या कर देती है नष्ट कर देती है तो भाई साहब यह एक तरह की ग्लाइको प्रोटीन है कैसी प्रोटीन है भाई साहब ग्लाइको प्रोटीन है और कैसी प्रोटीन है प्लाज्मा प्रोटीन है और कैसी प्रोटीन है इम्यूनोग्लोब्यूलिन है ये तीनों ही नाम सही है इम्यूनोग्लोब्यूलिन सही प्लाज्मा प्रोटीन सही बी लिम्पोसाइट से बनती है किसके अगेंस्ट बनती है पैथोजन के अगेंस्ट बनती है अरे बात सही है अरे बात सही है अरे हाँ बोलो भाई सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दिया है अरे आगे बढ़ें भाई बिल्कुल बधिए सर बिल्कुल बधिए यह लीजिएगा टर्नर सिंड्रोम में गुण सूत्र की संख्या कितनी होती है विच इज नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन टर्नर मेरे दोस्तों टर्नर सिंड्रोम जिसको हो जाता है उसके शरीर में, उसकी कोशिकाओं में नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने होते हैं मेरे दोस्तों 44, 45, 46, सैतालीस कितने होंगे अरे भाई टर्नर सिंड्रोम नाम सुना होगा बोलो देखे अरे आकीम जी बोलो आकीम जी लक्ष्मी राहुल श्वेता विशाल सोनम चित्रा हाँ हाँ जी जल्दी शिमी कुमारी जी वी कुमार नंदिता संध्या भाई साहब बड़े इंटेलिजेंट हो गए हो आप तो हैं क्या बात है आपके तो मम्मी पापा आपको वैसे ही डांटते हैं कि पढ़ता नहीं है पढ़ती नहीं है है? उनको सुना दो विजय सर कह रहे हैं कि हम टैलेंटेड हो गए हैं, मल्टी टैलेंटेड हाँ सुनो चलो पवन जी देखो भाई साहब सिंड्रोम दो तरह के सिंड्रोम है। एक तो है टर्नर। है ना इस टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा पता है आपको देखो एक महिला है महिला में कितने क्रोमोजोम होते हैं बताना तो महिला फीमेल में भाई साहब याद रखो फीमेल में सर होते हैं फोर्टी फोर प्लस एक्स एक्स तो टोटल सर फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम होते हैं ओके लेकिन जैसे ही किसी फीमेल के अंदर बच्चा टर्नर सिंड्रोम होगा ना तो उस महिला में एक एक्स क्रोमोजोम की कमी हो जाएगी इस वजह से उसमें रहेंगे चौवालीस प्लस एक्स जीरो इसलिए क्रोमोजोम कितने हो गए पैंतालीस फोर्टी फाइव कहा लिखा हुआ है ये रहा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बी और इस कंडीशन को क्या कहते हैं पता है मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोजोम बहुत बढ़िया इनोसेंट बच्चा आंसर दे रहा है है ना बिल्कुल मोनोजोमी ऑफ एक्स क्रोमोजोम एक्स क्रोमोजोम मोनोजोमी का मतलब होता है बच्चों टू एन माइनस वन टू एन बराबर हो गया फोर्टी सिक्स और फोर्टी सिक्स माइनस वन बराबर हो गया फोर्टी फाइव बोलो हाँ या ना अरे बोलो हाँ या ना अरे मिस्टर आकिम जी जी बोलो संदीप जी, सोनाली जी रिंकी सिद्धार्थ अमीशा राजू लवकेश क्या बात है कितना बढ़िया नाम है हैं हाँ चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी और बच्चों डाउन में बता दो चलो डाउन सिंड्रोम जिसको होता है हमेशा है डाउन सिंड्रोम का हमेशा क्वेश्चन आता है ना उस पुरुष में फोर्टी फोर प्लस एक्स एक्स वाई इसमें एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाएगा डाउन सिंड्रोम वाले के पास हो जाएंगे फोर्टी फाइव प्लस एक्स एक्स या फोर्टी फाइव प्लस एक्स वाई फोर्टी फाइव क्यों बोल रहा हूं यहां पर क्योंकि इसके इक्कीसवें गुण सूत्र की ट्राइसोमी होती है इसलिए इसके गुणसूत्र चौवालीस के बजाय 45 हो जाएंगे और 45 और दो ये कितने हो गए सैतालीस तो जिसको डाउन सिंड्रोम होता है उसमें फोर्टी सेवन जिसको क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम होता है उसमें फोर्टी सेवन बहुत ही बढ़िया आगे बढ़े बिल्कुल बढ़िए क्वेश्चन है बी लिपोसाइट आर प्रोड्यूस इन बी बनती है ब्लड में 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 कि मेरो में जल्दी बताओ देखें अरे जल्दी बताइए मेरे शेरों हाँ जी फटाफट से आंसर दीजिए मौसमी लक्ष्मी सविता निक्की आशीष हाँ भाई साहब और बच्चों वास्तव में एक जो है आपके प्रति मैंने बच्चों को तो पढ़ाया बच्चों 2011 से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं लेकिन आपके प्रति जो मेरे दोस्तों एक अलग ही तरह का अटैचमेंट है हमेशा जब मैं लाइव आता हूं तो मुझे एक अपनापन सा फील होता है कि मैं एक मेरे फैमिली के साथ हूँ मेरे परिवार के साथ हूँ मैंने बहुत सारे बेच को पढ़ाया है ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी लेकिन वास्तव में बच्चों आपका जो ये बेच है ये बहुत ज्यादा स्पेशल है बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और बहुत स्वीट बेच है आपका बहुत अच्छे बच्चे हैं सारे के सारे और हर एक बच्चा एक से ऊपर एक है भाई साहब है ना एक से बढ़िया एक है शानदार पढ़ने वाले बच्चे है ना मैंने ऐप के अंदर जितने भी टेस्ट डाले जितने मॉडल पेपर डाले जितनी क्लास डाली हर एक बच्चा है ना सारा कंटेंट एकदम प्रॉपर वे में पढ़ता है सारी क्लासे यूट्यूब पे हो चाहे ऐप के अंदर हो और आज तक का रिकॉर्ड है 2023 के अंदर विजय एजुकेशन के यूट्यूब पर एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया सैल्यूट करता हूं वास्तव में बच्चों आपके डिसिप्लिन को है ना एक भी बच्चे ने अभी तक एक नेगेटिव शब्द नहीं लिखा इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार गुजार हूं यह बच्चों आपका डिसिप्लिन नहीं आपके परिवार का डिसिप्लिन है यह आपके मम्मी पापा का आदर्श है जिसकी बदौलत आप इतना अच्छा कर पा रहे हो भाई साहब बहुत ही बढ़िया मिथिलेश गिरीश दीपक चंचल बहुत बढ़िया सुषमा जी चलो जी देखो बच्चों दो तरह की लिम्पोसाइट होती है आपको भी पता है बच्चों आंसर आपके आ रहे हैं लेकिन किसका सही और किसका गलत अभी पता चलेगा लिम्पोसाइट होती है दो एक होती है टी दूसरी होती है बी होती है कि नहीं होती बच्चा बी लिम्पोसाइट जो है बी लिंपोसाइट बनती कहां पे है और मैच्योर कहां पर होती है बी फॉर बोन मेरो निर्माण भी इसका बोन मेरो में मैच्योर भी होगी ये बोन मेरो में भाई साहब याद रख लेना तो इसने टी बी के बारे में ही तो पूछा तो बी लिम्फोसाइट बोन मेरो में ही इसका निर्माण होगा है ना और इसका मैच्योरेशन जो है वो भी बोन मेरो में ही होगा और बी लिम्फोसाइट का, का काम क्या है भाई साहब एंटीबॉडी का निर्माण एंटीबॉडी बनाने का काम है बी लिंपोसाइट का तो ये हमें इम्यूनिटी देगी अरे बोलो देगी अरे हाँ देगी सर और टी लिंपोसाइट टी लिंपोसाइट बनती तो बोन मेरो में है टी लिंपोसाइट का निर्माण तो अस्थि मज्जा में होता है लेकिन ये मेच्योर कहाँ होती है टी फॉर थायमस ये थायमस में मेच्योर होती है बच्चों कहां पर मेच्योर होती है थाइमस में याद रख लोगे बिल्कुल अब एक क्वेश्चन पूछूं आपसे गुरुजी पूछ लो बताओ मुझे आप बच्चों प्राथमिक लस्सी का अंग कौन से होते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन से हैं बताओ देखें और प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन किसे बोलते हैं जल्दी बताओ देखें प्राथमिक लस्सी का अंग ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है बच्चों एग्जाम में प्राइमरी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जल्दी बोलो देखें प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से होते हैं जल्दी बताओ देखे पियासा रूपा सेली जूही शहीना सरिता मौसमी जल्दी बेटा सुरेंद्र अनन्या अनिशा डावर शाबिया काजल लोकेश राकेश बहुत बढ़िया क्या बात है खुशबूजी अंचल मुस्कान लकी हाँ अब भाई आज कोई ये मत बोल देना कि सर मोदी जी की तरफ बोल रहे हो आप लोग हाँ आज अब हमने बोलने की टोन पूरी बदल दी है भाई साहब जल्दी आंसर दो फटाफट से हाँ, अरे वाह मेरे सेरों क्या बात है क्या बात है शाबाश सैल्यूट करता हूं आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग जुड़े हो है ना आज आपने वास्तव में यूनिटी दिखा दी है बच्चों यही यूनिटी बना के रखना और मैराथन क्लासे वार सीरीज बारह बारह घंटे की बहुत जल्द आने वाली है भाई साहब क्या बात है यूपी बिहार एमपी हरियाणा राजस्थान उत्तराखंड झारखंड हिमाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ पंजाब दिल्ली गुजरात महाराष्ट्र इन राज्यों के बच्चों ने आज चौके और छक्के तो लगा ही दिए हैं भाई साहब हाँ। शाबाश बहुत बढ़िया जी वेरी गुड वेरी गुड सही आंसर आ रहा है प्राइमरी लिंफॉइड ऑर्गन में एक तो है बोन मेरो और दूसरा है थाइमस ये दोनों प्राइमरी लिंफॉइड ऑर्गन क्यों हैं बच्चों क्योंकि इन ऑर्गन में लिम्फोसाइट का निर्माण भी होता है और लिम्फोसाइट का मेचोरेशन भी होता है जहां लिम्फोसाइट बनती है और मेचोर होती है उसको प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बोलो कहते हैं जहां पर लिम्फोसाइट बनती है और मेच्योर होती है उसे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कहते हैं हमारी टोन्सिल सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है बोलो है कि नहीं है लिम्फ नोड, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है spleen सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है है ना मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी होती है which infective stage of plasmodium बता दो भाई साहब हां बता दो प्लाज्मोडियम की इंफेक्टियस स्टेज कौन सी है भाई साहब स्पोरोजोइट क्रिप्टोजोइट मीरो मियो प्लाज मोडियम से होता है क्या बताओ मलेरिया है ना कौन सा रिया बहुत सारे रिया है भाई साहब यहां पे यहां तो होता है मलेरिया कौन सा रिया मलेरिया है ना हाँ मेरे दोस्तों मलेरिया पूजा जी मलेरिया पूजा जी अरे पूजा जी को मलेरिया थोड़ी ना होगा वो होगा हमें पहले आपको तो कुछ ना हो कोई बीमारी ना हो बस 2024 के अंदर तो केवल और केवल मेरे दोस्त हो तो सिलेक्शन हो अगर 24 में कुछ हो तो वो एक गवर्नमेंट सीट पर सिलेक्शन हो और वो हमें लेके रहनी अंशुल साख्या डावर, शिवानी प्रियंका नेहा प्रिया अंजलि मनीषा बहुत बढ़िया उजाला लक्ष्मी और मैं आज बोल दूं मलेरिया और कल को हो जावे तो हैं फिर फिर हमें दे दोगे श्राप आप लोग कि कितने खड़ूस सर थे है ना एक दिन बोला दूसरे दिन हो गया मलेरिया हाँ हाँ मतलब रंजन भाई अमिताभ बच्चन और हमारे में तो बहुत बड़ा फ़र्क है वो तो करोड़ों करोड़ों रुपए बांटते हैं के में हम थोड़ी ना बांट सकते हैं भाई हैं हमें तो आप भी नहीं देते छः सौ नब्बे हाँ हाँ निवेदिता राजपूत जी सरदा शुक्ला मुन्नी पाल कल्पना बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड देखो भाई साहब मेरी बात ध्यान से सुनना ये जो मलेरिया है ना बच्चों मलेरिया इस प्लाज्मोडियम से होता है प्लाज्मोडियम की चार जातियां हैं बच्चों कितनी जातियां हैं चार है नाम बता दो फटाफट और बच्चों इस प्लाज्मोडियम की एक अवस्था है जिसका नाम है स्पोरोजोइट क्या नाम है स्पोरोजोइट ये बच्चों प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट अवस्था में हमारे शरीर में एंटर करता है कौन सी अवस्था में एंटर करता है स्पोरोजोइट अवस्था में जब भी हमें बच्चों फीमेल मॉस्क्यूटो मादा एना फ्लीज जब भी फीमेल एना फ्लीज मॉस्क्यूटो हमें काटेगा और अगर इस एना फ्लीज के पास स्पोरोजोइट अवस्था में स्पोरोजोइट जो है बच्चों एक डिप्लोइड स्टेज है द्विगुणित अवस्था है इस प्लाज्मोडियम की जब ये स्पोरोजोइट बच्चों हमारे ब्लड के अंदर आएगा ह्यूमन के ब्लड के अंदर आएगा तभी हमारे शरीर में इंफेक्शन होगा मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों एक मादा एना फ्लीज मच्छर है उस मच्छर के लार में मुह में प्लाज्मोडियम है और प्लाज्मोडियम कौन सी अवस्था में है स्पोरोजोइट कैसी अवस्था है संक्रामक अवस्था है किसकी प्लाज्मोडियम की है ना जैसे ही हमें ये मादा एनाफ्लीज काटेगा तो हमारे ब्लड में कौन आ जाएगा स्पोरोजोइट और हम बीमार हो जाएंगे है ना बिल्कुल अब एक क्वेश्चन और पूछूं आपसे पूछ लो सर बताओ प्लाज्मोडियम मनुष्य में कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन करता है बताओ देखें। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है भाई साहब बहुत बढ़िया साबास। मनुष्य के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा मानव में यह प्लाज्मोडियम कैसा जनन करेगा मानव में अलैंगिक जनन मनुष्य में कौन से वाला जनन अलैंगिक जनन मनुष्य की आरबीसी और लीवर में याद रख लोगे बिल्कुल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो बताओ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें करता है भाई साहब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है फीमेल एना में जो फीमेल एना प्लीज मॉस्क्यूटो है उस मॉस्क्यूटो में प्लाज्मोडियम अलैंगिक जनन करता है सॉरी लैंगिक जनन करता है याद रख लोगे एक नहीं रख लोगे कितनी बढ़िया जानकारी दे रहा हूं नोट कर लेना प्लाज्मोडियम की एक तो जाती है प्लाज्मोडियम फैलसी दूसरी है वाइवेक्स तीसरी है ओवल चौथी है मलेरियाई है ना तो याद रख लोगे एक नहीं रख लोगे फैलसी है वाइवेक्स है ओवल है और मलेरियाई ये चार जातियां हैं मेलिग्नेंट मलेरिया किससे होता है बताओ देखे बच्चों टीआई प्लाज्मिड निम्नांकित में से किससे प्राप्त होता है फट जल्दी, जल्दी, जल्दी। हाँ, खिलेश संगीता विनीता लक्ष्मी जूही सिद्धार्थ सिमरन काजल बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया शानदार अरे वाह क्या बात है भाई शाह हाँ बहुत बढ़िया मधु जी अर्पिता जी शिवानी जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो टी आई का फुल फॉर्म बता दो फटाफट अरे टी का मतलब होता है ट्यूमर आई का मतलब होता है इंड्यूसिंग है ना इसका मतलब हुआ अर्बुद जनित गांठ बनाने वाला अर्बुद जनित प्लाज्मिड और प्लाज्मिड क्या होता है भाई साहब प्लाज्मिड होता है बैक्टीरिया की कोशिका का एक्स्ट्रा डीएनए बैक्टीरिया में बच्चा एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है और वो भी कैसा सर्कुलर बैक्टीरियल सेल में एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है और वो भी होता है सर्कुलर जिसको प्लाज्मिड कहते हैं ऐसा प्लाज्मिड जो हमने एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमी फेसियन से प्राप्त किया उसको टीआई प्लाजमिड कहते हैं अब इसको टीआई प्लाजमिड क्यों कह रहे हैं बच्चा क्योंकि ये ट्यूमर इंड्यूसिंग है ट्यूमर का मतलब होता है गांठ मेरे दोस्तों एक ऐसा प्लाज्मिड है एक ऐसा डीएनए है बैक्टीरिया के अंदर जिसके पास एक जीन है जिसका नाम है टी टी डीएनए एक जीन है जिसका नाम है टी डीएनए ये जाता है प्लांट में कौन से पौधों में पौधों में और डाइकोट पौधों के अंदर बड़ी बड़ी ट्यूमर बना देता है गांठ बना देता है क्राउन गोल बना देता है और बेचारे पौधे मारे जाते हैं याद रख लेना इसलिए हमने क्या किया टी आई प्लाज्मिट के अंदर जो फालतू की चीज थी उसको हटाया यहां पर अच्छे वाले जीन जोड़ दिए फिर टी आई प्लाजमेट को बोला बेटा अब इस पौधे को इन्फेक्ट कर जैसे ही पौधे के अंदर अच्छे वाले जीन गए अब पौधा खुश हो गया तो टीआई प्लाजमिट का उपयोग अब बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ही अच्छे वाले जीन बढ़िया वाले जीन प्लांट में भेजने के लिए किया जाता है और बच्चों नेचुरली जीन प्राकृतिक रूप से पौधों के अंदर जीन भेजता है और टीआई टी किस बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नाम के जीवाणु से बोलो याद रख लोगे क्या बोलो याद रख लोगे क्या एग्रोबैक्टीरियम राइजोजींस इससे बच्चों आर आई प्लाजमिट प्राप्त करते हैं आर आई याद रख लेना आर आई एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन से और टी आई एग्रोबैक्टीरियम एग्रो फेसियन से बोलो याद रख लोगे क्या बोलो याद रख लोगे क्या बोलो याद रख लोगे क्या रख लेंगे गुरु जी रख लेंगे सारे बच्चे थम्सअप का साइन सारे बच्चे और एक दूसरे को विश करो हैप्पी न्यू ईयर सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हैप्पी न्यू ईयर सभी को विश करिए एक दूसरे को अपने सभी साथियों को और सभी का ये नया साल बहुत बेहतरीन हो बहुत शानदार हो खुशियों भरा हो है ना बिल्कुल जी और मेलिग्नेंट मलेरिया बिल्कुल हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी हैप्पी न्यू ईयर मेरे दोस्तों बहुत बढ़िया शानदार 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 है ना बहुत बढ़िया शाबाश साबास क्या बात है भाई क्या बात है है ना एकदम अद्भुत बहुत शानदार दृश्य बहुत ही जबरदस्त वेरी गुड बच्चों वेरी गुड है ना बहुत शानदार क्या बात है बच्चों आप जिस तरह से जितनी बड़ी संख्या में जुड़ते हो है ना आप विजय परिवार के बारे में बहुत सारे बच्चे जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो पता है बाकी बच्चों ये जो विजय परिवार है आपका कोचिंग है बहुत है पढ़ाने वाले गुरुजन भी बहुत है सभी के लिए सम्मान है सभी के लिए मेरे दोस्तों सेल्यूट लेकिन अपना विजय परिवार बहुत स्पेशल है बच्चों क्योंकि अपने विजय एजुकेशन की शुरुआत एक छोटे से गांव से हुई है और वो भी ऐसा गांव नहीं जो किसी सिटी के पास हो नेवर ऐसा गांव जो डेजर्ट के अंदर है मरुस्थल के अंदर है जहाँ प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इंटरनेट नहीं है एक ऐसा गांव जो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर इंडिया के पश्चिमी शोर पर स्थित है और उस गांव से अपने विजय परिवार की शुरुआत कोविड कोविड के दौरान हुई थी बच्चों है ना और शुरुआत भी मैंने शुरुआत में कुछ मॉडल पेपर बनाए थे 2021 में और उन मॉडल पेपर से एज इट इज नर्सिंग का पेपर आया लगातार यूपी बिहार राजस्थान हरियाणा एमपी इन राज्यों के बच्चों तक मैंने वो मॉडल पेपर पहुंचाए और जब उनसे एज इट इज़ क्वेश्चन आया तो बच्चों ने मुझे अप्रोच किया कि सर अब आप हमारी लाइव क्लासे शुरू करिए मैं उस समय ऑफलाइन पढ़ा रहा था है ना और बच्चों ने जैसे ही अप्रोच किया मैंने ऑनलाइन क्लासे शुरू करी और उसके बाद लगातार जिस तरह से आपका प्रेम और आपका सपोर्ट मिला बच्चों अद्भुत है ना क्योंकि मेरे दोस्तों एक अगर मैं बड़े शहर से बिलोंग करता तो मेरे को हर एक चीज़ें अवेलेबल हो जाती वहाँ पर लेकिन एक छोटे से गांव से शुरुआत करना कितना डिफ़िकल्ट होता है एक एक लम्हा आपने देखा होगा जब क्लास लेते थे बारिश होती थी स्टूडियो पानी से भर जाता था बहुत ज़्यादा जदोजहद करनी पड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी मेरे दोस्तों लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी भाई साहब क्योंकि आपका जो सपोर्ट था ना वो इतना ज़्यादा था मतलब बच्चों की तरफ से जिस तरह से उस समय सपोर्ट आ रहा था जितनी बड़ी संख्या में बच्चे क्लासों में जुड़ते थे ठीक है ना एक नॉर्मल वाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, थे बच्चों और उस समय जो सपोर्ट मिला वास्तव में उसकी बदौलत आज विजय परिवार आपके सामने है और सब कुछ आपकी वजह से है बच्चों इस परिवार को हमेशा अपना परिवार मान के आगे बढ़ना बच्चों कल को आपका सलेक्शन भी होगा आपके छोटे भाई बहन भी यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे लेकिन इस परिवार को कभी भूलना मत बस मैं यही कहना चाहता हूँ बाकी आपके लिए बच्चों जब भी आपकी कोई दिक्कत हो आप बस ये मानना कि आपकी वो प्रॉब्लम नहीं वो हमारी है हमें बताना और आप हमेशा ट्वेंटी फोर सेवन इस विजय परिवार को इस विजय टीम को आप अपने साथ पाओगे ये मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ बच्चों देखिएगा मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों क्वेश्चन है क्राइजीन प्रिवेंट विच क्रॉप फ्रॉम बोल किस फसल को बोल कमी से बचाता है मेरे दोस्तों ये बोल वर्म है क्या बोल वर्म क्या है सर बच्चा बोल वर्म कीट है इंसेक्ट है एक तरह का कीड़ा है है ना यह क्या होता है जहाँ फसल होती है ना वहां ये कीड़े उस फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं है ना तो हमने क्या किया एक फसल को इन कीटों से बचाने के लिए हमने एक फसल में एक क्रॉप के अंदर एक जीन डाल दिया किस में डाला था गेहूं में चाय में मक्की में कपास में किस में डाला बच्चों में डाला था? क्राई जीन लिया किस था वो कौन सा बैक्टीरिया था जिससे बच्चों हमने क्राई जीन प्राप्त किया था बताओ वो कौन सा बैक्टीरिया था जिससे हमने जीन लिया था बच्चों कोई बता सकता है उस बैक्टीरिया का क्या नाम था उस बैक्टीरिया का नाम था बेसिलस थोरेंजियंसिस है ना बेसिलस थोरेंजियंसिस बैक्टीरिया से क्राइजीन लिया और किस में डाला कॉटन के पौधे में कॉटन के पौधे में डालते ही कॉटन का पौधा हंसने लग गया पहले रो रहा था फिर हंसने लग गया और बोलने लगा भाई साहब आपने तो काया कर दिया मेरी जिंदगी के अंदर तो मेरे दोस्त तो पहले अंधेरा ही अंधेरा था और अब जो है एक नई रोशनी आ गई है ना जैसे ही इसको क्राइजीन मिला अब भाई साहब ये जो कीट थे ये कीट अब इसके ऊपर नहीं कर सकते तो बीटी कोटन एक कीट प्रतिरोधी पौधा बन गया कैसा पौधा बन गया कीट प्रतिरोधी है ना ये इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट है बच्चों और इसको हमने किस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड किया था बायोटेक के द्वारा आर डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा इसको हमने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया भाई साहब आगे बढ़ते हैं है ना बताइए बच्चों टर्मिनेशन कोडोन कौन से होते हैं समापक कोडोन हमेशा एग्जाम में क्यों सनाता है स्टॉप कोडोन का जल्दी बताओ देखे स्टॉप कोडोन कौन से शानी विक्रांत आरती गौतम राजकुमार उजाला सोनम रूपा टुक टुक क्या बात है रेणु चौधरी जी वेरी गुड वेरी गुड अर्चना जी अनिशा जी अरे वाह शाबाश क्या बात है क्या बात है क्या बात है अरे आंसर हाँ, देंगे ए यू जी जी यू जी यू ए ए ए ए बताओ देखे स्टॉप कोडोन टोटल होते कितने ये भी बता दो और साथ में ये भी बता दो स्टार्ट कोडोन कौन कौन से होते हैं एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है स्टार्ट कोडोन स्टार्ट कोडोन और कोडोन पाए कहाँ जाते हैं डीएनए पे कि आरएनए पे ये भी बता दो कोडोन किसके ऊपर होंगे आरएनए पे कि डीएनए पे साक्षी जी जल्दी बताओ सिमी जी अंजलि मौसमी हाँ आंचू ब्रह्मास्त्र बेच सुषमा स्वाति शिवी अटल बेच बहुत बढ़िया ब्रांड आशुतोष अटल बेच सावित्री पाल हाँ दीपक जी जीत बेच निकिता जी विजेता बेच बहुत बढ़िया डोली सोनामिका हाँ अजमेर वाले अनु ज्योति बहुत बढ़िया करण साखिया जूही जल्दी आंसर देंगे भाई साहब तीन आंसर आ रहे हैं मेरे पास एक तो उल्लू आया आया फिर उल्लू आया और चला गया फिर उल्लू गया और वापिस आ गया ये तीन तो है भाई साहब स्टॉप कोडोन और स्टार्ट कोडोन होता है ए यू जी तो ए यू जी तो क्या है बच्चों स्टार्ट कोडोन कह दो इनिशिएशन कोडोन कह दो प्रारंभक कोडोन कह दो और ये यू ए ए ये आपका स्टॉप कोडोन है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये है ना बिल्कुल जी बहुत बढ़िया और कोडोन किसके ऊपर पाए जाते हैं याद रखना कोडोन एमआरएनए पर कोडोन एमआरएनए पर पाए जाते हैं मैसेंजर आरएनए पर आपको कोडोन देखने को मिलेंगे बात सही है कि बात गलत बिल्कुल सही है भाई साहब और ए से एक अमीनो एसिड बनता है उसका नाम है मिथायोनिन स्टार्ट कोडोन एम आर एन ए के फाइव प्राइम एंड पे होगा जबकि स्टॉप कोडोन एम आर एन ए के थ्री प्राइम सिरे पर होगा आगे बढ़ते हैं बच्चों बिल्कुल बढ़िएगा अगला क्वेश्चन डीएनए द्विकुंडली किस तरह की होती है डीएनए डबल हेलिक्स एज बताओ देखे डीएनए का डबल हेलिक किस तरह का होगा भाई साहब हैप्पी न्यू गुरु जी आपको भी हैप्पी न्यू ईयर है ना बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया क्या बात है हाँ जी बहुत आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई 2024 की शुरुआत बड़ी खतरनाक होने वाली है हाँ बता दो हिना राजपूत जी आदेश जी अभिषेक बबीता प्रिया राधा हाँ सूरज अनोज रचना रोहित बंटी विकास हर्षी प्रभाकर ममता कोमल अर्चना निशु योगेंद्र बबीता तंवर बहुत बढ़िया पूजा कांक्षी हाँ जल्दी आंसर देंगे भाई साहब इसने कहा डबल हेलिक्स डीएनए डबल हेलिक्स इज ऑलवेज सर्कुलर पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री बोथ ए एंड बी एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री बताओ देखे अरे डीएनए समांतर होता है कि प्रति समांतर पैरेलल होता है कि एंटी पैरेलल इतना बता दो आंसर आ जाएगा अरे भाई साहब डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था मिस्टर वॉटसन एंड क्रिक ने वॉटसन और क्रिक ने ही तो दिया था डबल हेलिकल मॉडल तो वॉटसन और क्रिक ने क्या बोला था पता है आपको या कॉल करके पूछ लू क्या कहा था इन्होंने वाटसन और क्रिक ने का बोला था बाबू उन्होंने ये कहा था कि जो हमारा डीएनए है ना एक तो है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम और दूसरा है थ्री टू फाइव इसका मतलब बच्चों ये पैरेलल नहीं है एंटी पैरेलल है ये क्या है एंटी पैरेलल है पैरेलल तो तब कहते हैं ना ये भी फाइव टू थ्री होता और ये भी फाइव टू थ्री होता तब पैरेलल होता जबकि ये पैरेलल थोड़ी ना है है ना एक तो फाइव टू थ्री है दूसरा इस तरह से कर दिया इसको थ्री टू फाइव तो ये एंटी पैरल हो गए और कॉम्प्लीमेंट्री होंगे कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तभी तो यहां अगर एडीन है तो सामने डबल बॉन्ड से है है तो सामने से साथोसीन। साथोसीन है तो सामने ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड से से साइटोसिन साइटोसिन था है तो डबल बॉन्ड से एडीनिन इस तरह से डीएनए में आपको देखने को मिलेगा तो हमारा जो डीएनए है बच्चों वो प्रति समांतर होगा और इसके जो स्ट्रेंड है वो एक दूसरे के पूरक होंगे कॉम्प्लीमेंट्री होंगे क्या हमारा डीएनए वृत्ताकार होता है वृत्ताकार तो होता है लेकिन हमेशा वृत्ताकार नहीं होता इसने लिखा हमेशा वृत्ताकार ऑलवेज सर्कुलर ये गलत है अगर ऑलवेज नहीं लगाता ना तो फिर भी हम मान लेते हैं हमारा डीएनए सर्कुलर एंड लीनियर होता है सर्कुलर एंड कैसा होता है बच्चों लीनियर सर्कुलर डीएनए कहां पाया जाएगा कोई बच्चा बता सकता है लीनियर जो डीएनए है ये डीएनए लीनियर है ये तो आपको यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में देखने को मिलेगा यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में यह डीएनए और यह सर्कुलर डीएनए कहा देखने को मिलेगा एक तो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक सेल में और माइटोकोन्ड्रिया में माइटो और क्लोरोप्लास्ट में हरित लवक नाम नहीं सुना का यह तीन नाम कभी मत भूलना सर्कुलर डीएनए कहाँ होगा सर्कुलर डीएनए सर्कुलर डीएनए एक तो प्रोकैरियोटिक सेल में दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में और तीसरा क्लोरोप्लास्ट में बात सही है कि बात गलत पॉइंट विल बी नोटेड है ना आगे भरो भाई आगे भरो चलो जी अंडाणु के कोशिका द्रव्य में कौन सी संरचना नहीं होती विच ऑर्गेनेल्स इज नॉट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ ओवा अंडाणु के कोसी का द्रव्य में क्या नहीं होता भाई साहब जल्दी बताओ देखे माइटोकॉन्ड्रिया जल्दी बोलो जल्दी बोलो सा साबस। साबस। फटा फटाफट आंसर दो भाई साहब भूकंप नहीं आ जावे हाँ जल्दी बोलो सर प्लीज आज हमारा नाम लीजिए अमीशा पटेल वेलकम सुरेंद्र कुमार वेलकम शेली सेस्ता, शैलजा बर्मन मोहन सारन बहुत बढ़िया सारन जी अमन प्रेरणा रसीदा जी डॉक्टर रसीदा नेहा चौधरी आयशा शिवानी पूजा कुमारी सुकन्या, आयम्स बेच युवराज सोनाली राव न्यू बेच में कैसे जुड़ा जाए न्यू बेच विजय एजुकेशन के आठ जनवरी को शुरू हो रहे हैं नाइन एट टू एट सेवन टू वन टू टू नाइन इंटानवे अट्ठाईस बहत्तर बारह उन्तीस इस नंबर पे कॉल कर देना विजय टीम से बात कर लेना कोई भी बच्चा अगर जुड़ना चाहता है विजय परिवार से जुड़ के पढ़ना चाहता है तो वेलकम अभिनंदन है ना बिल्कुल जी देखिए मेरे दोस्तों सुन लो सुन लो सुन लो अंडाणु अंडाणु के पास में राइबो तो होगा तो होगा माइटोकोड्रिया तो होगा सेंट्रोजोम नहीं होता भाई साहब क्या नहीं होगा सेंट्रोसोम नहीं होता अब आप मेरे को कहोगे सर आप कैसी बात कह रहे हो अगर इसके पास सेंट्रोजोम नहीं हुआ तो ये डिवाइड कैसे होगा बिना सेंट्रोसोम के तो स्पिंडल फाइबर ही नहीं बनेंगे तर्कु तंतु ही नहीं बनेंगे तो ड्राइगोड कैसे बनेगा कैसी बात कर रहे हो सर आप तो मैं बताता हूं सुनो आप भाई साहब शुक्राणु नाम की भी तो कोई एक चीज होती है स्पम और ये जो स्पम है ना भाई साहब ये स्पम है ना स्पम ये जो स्पम है ये इसकी पूछ है अब देखो इस स्पम के इस नेक में यहां पर दो सेंट्रो दो सेंट्रो जोम कह दो या सेंट्रीओल कह दो यहां दो सेंट्रीओल होते हैं एक हम इसको दे देते हैं कि बेटा एक दो ले ले फ्री में और इसको सेंट्रियोल तभी मिलेगा तारक केंद्र तभी मिलेगा जब क्या होगा फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन होगा तभी तो जाइगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो बताओ स्पम के द्वारा यह तारक केंद्र ये सेंट्रियोल बच्चों क्या इस अंडाणु को दिया जाएगा क्या ओवम को दिया जाएगा नहीं बताओ ओवम को तारक केंद्र सेंट्रियोल कौन देता है स्पम देता है कब फर्टिलाइजेशन के दौरान तभी क्या बनता है बताओ बात समझ में आई का अरे समझ में आई का बाबू नहीं आई नहीं आई सुनो स्पम के पास दो सेंट्रियोल होते हैं एक के साथ एक फ्री जब स्पम तैरता हुआ अंडाणु के पास जाता है तो अंडाणु कहता है सुन भाई तू जो है मेरी कोशिका के पास में फ्यूज तभी होगा जब तू मेरे को तारक केंद्र देगा तो इसने कहा ठीक है लोजी लो वेरी सिंपल है ना हाँ आगे बधे बिल्कुल बधेगा और बच्चों याद रखो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना बच्चों के कौन से भाग में ज्यादा होता है इस स्पम का जो मध्य वाला भाग होता है ना यहाँ बहुत ज्यादा माइटोकोन्ड्रिया होते हैं और माइटोकोन्ड्रिया के अरेंजमेंट को नेबेन कर्न बोलते हैं नेबेन कर्न याद रख लोगे बिल्कुल और ये गोल्जी बॉडी ज्यादा कहाँ पे होंगे इस स्पम का ये जो भाग है ना इसे एक्रोजोम बोलते हैं इस एक्रोजोम में ज्यादा होंगे है ना बिल्कुल जी आगे बढ़ो चलो देखो प्रति लेखन की क्रिया में कौन सा एंजाइम भाग लेता है Which enzyme is required in process of transcription? अरे भाई साहब, का का मतलब है DNA से messenger RNA का बनना। इसमें कौन सा एंजाइम भाग लेगा डीएनए पॉलीमरेज मरेज हेलीकेज डीएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज ये लो जी इतना भी टफ क्वेश्चन कौन देता है भाई ओ भाई गुरु जी आप मेरा नाम नहीं लिए मैं आपसे नाराज़ हूँ अरे भाई क्यों नाराज़ होते हो हैं कल 2024 की शुरुआत हो रही है और एक बात बोलूँ आपको बच्चों आज 12 बजे से पहले नींद मत लेना ऐसा क्यों अरे भाई साहब अगर आज 12 बजे से पहले सो गए ना तो एक साल के बाद नींद से जगोगे आप लोग आप नींद लेने वाले हैं दो में जगने वाले हैं दो में इतनी तो नींद कुंभकर्ण ने भी नहीं ली थी है वो भी तो छह महीने नींद लेता था भाई साहब सो रहे हैं तेईस में जग रहे हो चौबीस में ये गलती मत कर लेना पूरा कैलेंडर ही बदल जाएगा है ना तो कल से क्या बदल रहा है कैलेंडर बदल रहा है का हाँ है ना तो भाई साहब बारह बज के एक मिनट में नींद लेनी है हमें है ना ताकि दुनिया को ये कह तो सके कि एक साल तक जग रहा था हाँ हाँ जल्दी आंसर दीजिए हाँ सुनो 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 मुरली जी सुनो देखो भैया देखो मुझे बनाना है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा डीएनए से आरएनए, जब बच्चा डीएनए से डीएनए बनाना हो तो इसको बोलते हैं रेप्लीकेशन और रेप्लीकेशन में जो एंजाइम भाग लेता है ना उसे बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज है कि नहीं लेकिन जब मुझे बनाना हो डीएनए से क्या मैसेंजर आरएनए आरएनए बनाना है तो एंजाइम जो भाग लेगा उसे बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज और सारे के सारे बच्चे यही आंसर दे रहे हैं ए अब जिसने ए आंसर नहीं दिया है ना मैं उसकी कर दूंगा यहाँ से पिटाई हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर ये क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है अरे ये सभी जगह आया है भाई एम्स में बिहार में यूपी में एमपी में राजस्थान में सर कल मेरा जन्मदिन है मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है अरे भाई हमारा भी तो है जनवरी में तो साथ ही मना लेंगे हाँ नेपाल चलेंगे बर्थडे सेलिब्रेट के लिए हाँ सुरेंद्र जी कोमल जी चंचल जी अमित जी श्वेता जी गोल्डी जी बात सही है कि बात गलत है गुरु जी बात बिल्कुल सही है तो देखो अगर मैं पूछूं डीएनए से आरएनए बनेगा तो उसे क्या कहोगे तो आप लिख देना ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन में आर सॉरी एंजाइम कौन सा आर एन अब मैं पूछू हेलीकेज एंजाइम कहाँ पे काम आएगा बताओ हेलीकेज एंजाइम कहां पर काम आएगा हाँ अरे ये भी गलत कर दिया कुछ बच्चों ने पिटाई कर दूंगा मैं हाँ अरे भाई डीएनए पॉलीमरेज तो डीए अरे इसके आगे लिखा हुआ डीएनए डीएनए पॉलीमरेज डीएनए बनाएगा आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाएगा वेरी सिंपल है ना सुनो हेलीकेस का क्या काम है ये डीएनए डीएनए कुछ इस तरह से कोइल्ड होता है कि नहीं होता इस डीएनए को ऐसे खोलना हो तो हेलीकेज काम आता है याद रखना हेलीकेज हेलिक्स को समाप्त करता है हेलिक्स को समाप्त करता है हाइड्रोजन बॉन्ड को काटता है एच बॉन्ड को कट करता है कौन काटता है डीएनए के बीच के इन हाइड्रोजन बॉन्ड को यह हेलीकेज हेलीकेज एंजाइम बच्चों रेप्लीकेशन में हेल्प करता है रेप्लीकेशन के समय डीएनए को खोलेगा हेलीकेज कितनी अच्छी बात बताई मैंने अच्छी लगी बात नहीं लगी कैसे बच्चे हो हाँ अब सारे बोल रहे हैं सही बोल रहे हो सर हाँ जी कीटों और पक्षियों के पंख विंग ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड आर कर्ल्ड जल्दी बोलो पक्षियों के पंख देखे कीटों के भी छोटे छोटे पंख देखे ये दोनों आपस में किस प्रकार के ऑर्गन है बता दो कनेक्टिंग होमोलोगस वेस्टिजियल एनालोगस एनालोगस को समरूप बोलते हैं समरूप या समवृत्ति है ना हाँ, याद रखना ये अवशेषी है यह समझाते यह संयोजी है बताओ देखे कौन सा करेक्ट होगा ये जिसने गलत किया मैं उसकी पिटाई करूंगा भाई साहब और चार लाख पचास हजार में से सौ बच्चे कम पढ़ रहे हैं सारे बच्चे सब्सक्राइब पे ओके करो देखें एक सब्सक्राइब वाला बटन है ऊपर सब्सक्राइब कर दो एक हमारे यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर हैं है ना जो सब्सक्राइब नहीं बोल पाते तो वो सब्सक्राइब कर दो ऐसे भी बोल सकते हैं हां नीलेष जी आरू जी रंजना जी आश्विन जी कुछ बच्चे बी क्यों बता रहे हैं इसमें गायू जी अरे कटारिया जी अब एक ने बी बोला है तो बाकी सारे बी 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 सुनो भाई साहब अब सुनो अरे भैया सुन लो मेरी बात विंग ऑफ इंसेक्ट एंड विंग ऑफ बर्ड इन दोनों का काम एक ही है उड़ना है ना जिन ऑर्गन का एक जैसा काम हो बट इंटरनल स्ट्रक्चर अलग अलग हो ऐसे ऑर्गन को क्या कहते हैं समरूप ऐसे ऑर्गन को कहते हैं एनालोगस आप गलत क्यों बता रहे हो अरे भैया होमोलोगस कौन सा है बताऊं आपको पक्षी के पंख और मानव के हाथ मानव के हाथ को फोरलिम बोलेंगे अग्रपाद ये है समझात तो समझते क्यों नहीं आप अरे होमोलोगस ऑर्गन वो होते हैं जिनके काम अलग अलग हो लेकिन स्ट्रक्चर एक जैसी हो आंतरिक संरचना या उत्पत्ति एक जैसी हो बच्चों बात को समझो है ना और जिन में होमोलोगस ऑर्गन होंगे उनकी उत्पत्ति किसी एक ही पूर्वज से एक ही एंसेस्टर से हुई है है ना भाई साहब कीटों के पंख तो उसके त्वचा का रूपांतरण है स्किन का बात को समझो जबकि पक्षियों के पंख के अंदर बर्ड का जो बच्चों पंख होगा ना उसमें तो बोन होती है आपने देखा होगा यूमरस रेडियस अलना ये बोन होती है हमारे जो हाथ है ना पक्षियों के पंख और हमारे हाथ दोनों की आंतरिक स्ट्रक्चर एक जैसी है इसलिए बच्चों इसलिए बच्चों हमारे फोरलिम्ब और पक्षियों के विंग दोनों होमोलोगस ऑर्गन है याद रखना जबकि की कीटों के पंख इंसेक्ट के विंग और बर्ड के विंग ये क्या है ये ऑर्गन है याद रख लोगे हाँ तो इसका राइट right आंसर है एनालोगस है ना ये किस किस ने गलत किया बताना तो पिटाई कर रहा हूं मैं आपकी झूठ बोल रहे हैं, कुछ बच्चे की सर मेरा था सही हो गया हाँ हाँ चलो जी अच्छी बात है अच्छी बात है हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन रिलैक्स इनका अब पता चलेगा अब कौन सही बताता है अब चलेगा पता हाँ सुनो देखे रिलैक्सीन इज सीक्रेटेड बाय बता दो बच्चों रिलैक्सीन को मुख्य रूप से मुख्य रूप से कौन श्रावित करेगा बताओ देखे हाँ भाई साहब प्लेसेंटा थाइरोड ए एंड बी और कार्पस ल्यूटियम अब बताओ देखे अब तो भाई साहब बहुत शानदार वाली बात हो गई हाँ सर मेरा 2023 बहुत खराब गया अरे 2024 बहुत शानदार जाएगा चिंता मत करो 23 में अगर कुछ बुरा हुआ कुछ गलत हुआ कुछ नेगेटिव हुआ आपके साथ भूल जाओ उसको कुछ अच्छा हुआ कुछ बढ़िया हुआ याद रखो उसको और आगे बढ़ो है ना मेरे दोस्तों दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में समस्याएं नहीं मेरे दोस्तों समस्याएं जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ है प्रॉब्लम क्या है पार्ट ऑफ लाइफ है और उनसे बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है तो मेरे दोस्तों ज़िंदगी जीने का तरीका आना चाहिए है ना और मुझे लगता है कि आप उस आर्ट को समझते हो है ना और जितनी ज़्यादा आज प्रॉब्लम आएगी आने वाला समय उतना ही सुखद होगा खुशनुमा होगा है ना बिल्कुल जी बस हार मत मानिए होपलेस मत होइए भाइयों। हाँ देखो भाई हाँ बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत ही शानदार सुनिएगा बच्चों मैं आपको बताता हूं यहाँ पर दो तरह के आंसर हो सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पूछा कि मुख्य रूप से रिलैक्सिन को कौन सीक्रेट करता है तो बच्चों कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करती है और कॉर्पस ल्यूटियम हमारे ओवरी में होती है तो अगर अंडा से लिखा हुआ होता ना तो आप क्या लिखते अंडा से अरे तो आप भाई साहब मैं कार्पस ल्यूटियम लिखूं या ओवरी लिखूं। बात तो एक ही है ना बात तो एक ही है तो मुख्य रूप से तो इसका सीक्रेशन कार्पस ल्यूटियम ही करेगा लेकिन बच्चों रिलैक्सिन को अपरा भी सीक्रेट करती है प्लेसेंटा भी सीक्रेट करती है तो ये क्वेश्चन बच्चों एक बार बिहार के एग्जाम में आया था इसका राइट आंसर डी माना गया था बच्चा है ना लेकिन देखो मेरे दोस्तों याद रख लेना ऐसा क्वेश्चन आए तो फिर आप कैसे डील करोगे इसलिए आज समझ लो आज समझ लो मेरे दोस्तों है ना अगर इस तरह से क्वेश्चन आया रिलैक्सिन कौन सीक्रेट करता है प्लेसेंटा भी दिया हुआ है और ओवरी भी दिया हुआ है तो आपको ओवरी सही करना है और अगर बच्चों प्लेसेंटा और ओवरी जैसे इसने ए में दे दिया प्लेसेंटा, बी में दे दिया ओवरी और सी में कुछ और दिया और डी में दे दिया ए और बी दोनों तो भाई साहब दोनों करेक्ट होंगे याद रखना है ना बिल्कुल जी तो इस तरह के क्वेश्चन को डील करना आना चाहिए तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि जो रिलैक्सीन है बच्चा रिलैक्सीन इसको मुख्य रूप से तो कौन सीक्रेट करेगा ओवरी लेकिन गर्भावस्था के समय ओवरी के अलावा और कौन सीक्रेट करेगा प्लेसेंटा याद रखना प्लेसेंटा तो कब बनेगी हमेशा थोड़ी ना बनती है गर्भावस्था के दौरान है ना याद रखना गर्भावस्था के दौरान है ना गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा और ओवरी दोनों और नॉर्मली ओवरी है ना रिलैक्सिन बच्चों प्रसव के समय सिंपाइसिस को लूज बनाता है है ना बिल्कुल जी बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया क्या बात है भाई साहब क्या बात है अंडोत सर्ग होता है ओव्यूलेशन टेक पैलेस अब कौन आंसर देगा ओव्यूलेशन नाम सुना है का ओव्यूलेशन नाम सुना है ना बिल्कुल सुना है भाई साहब मेंस्ट्रुअल साइकिल में सुना होगा हा बताओ देखे फटाफट फटाफट और बच्चों एक बात बोलना चाहता हूँ आपके पिताजी को आपके माता जी को आपके भाई को मैं सभी परिवार जनों को हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहता हूँ अगर आपके पास में है आपके दाएं बाएं अगर है तो उनको मैं विश करना चाहता हूँ हैप्पी न्यू ईयर सभी गार्जन्स को ठीक है और मुझे और पूरी टीम को आपके गार्जन्स का आशीर्वाद चाहिए ठीक है और मैं तो हमेशा चाहूँगा कि उनका आशीर्वाद जिस तरह से आपके साथ है वैसे हमारे साथ भी बना रहें ताकि हम हमारे लाइफ में कभी किसी तरह से गलती ना करें हमेशा एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें ठीक है हम हमारे से कोई ऐसा काम ना हो जिसकी बदौलत किसी को ठेस पहुँचे किसी को दुख हो है ना बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं देखिए बच्चों फटाफट से हाँ मेरे दोस्तों ओव्यूलेसन अपरा में अंडासे में लगभग चौदहवें दिन देखो इसने क्या लिखा है बच्चों इसने लिखा है क्या प्लेसेंटा में होता है क्या ओव्यूलेशन बिल्कुल नहीं क्या ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन मतलब अंडाणु का त्याग अंडाणु का निर्माण क्या ओवरी में होता है क्या क्या ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के चौदवे दिन होता है क्या अब समझदारी वाली बात है ध्यान रखना बच्चों यह है ओवरी है ना और बच्चों इस ओवरी के अंदर यहाँ पर एक फोलिकल होती है इसको हम बोलते हैं ग्राफियन फोलिकल ये ग्राफियन फोलिकल है क्या है बच्चों ये ग्राफियन फोलिकल है इस ग्राफियन फोलिकल में यहाँ पर अंडाणु है।, है ना बच्चों अब देखो होता क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डे है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डेज एलएच नाम का एक हार्मोन है और इसका लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है यह पीक पे पहुँच जाता है और इस वजह से बच्चों ग्राफियन फोलिकल फट जाती है है ना ग्राफियन फोलिकल क्या हो जाएगी फट जाएगी रेप्चर्ड हो जाएगी और इसके रेपचर्ड होने से बच्चों ये ओवा जो है ये जो अंडाणु है ये बाहर निकल जाता है है ना इसी को बोला जाता है ओव्यूलेशन तो ओवरी के द्वारा ही तो हो रहा है ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डेज हो रहा है तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा कौन सा करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट रहेगा याद रख लोगे क्या कौन से डे हुआ 14 डे हुआ किसकी हेल्प से हुआ ओवरी की हेल्प से और ओवरी में भी कौन ग्राफियन फोलिकल से ग्राफियन फोलिकल के फटने से हुआ है कि नहीं बच्चा बिल्कुल और ग्राफियन फोलिकल को बच्चों मेच्योर फोलिकल बोलते हैं कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ओवरी के अंदर मेच्योर फोलिकल कौन सी है तो फोलिकल होती है ग्राफियन फोलिकल ग्राफियन किस तरह की फोलिकल है बच्चा मेच्योर फोलिकल करेक्ट बिल्कुल करेक्ट बहुत बढ़िया बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो बच्चों रणथंबो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है वेयर इज द रणथंबोर नेशनल पार्क बताओ देखें और इस पार्क को कौन कौन देखने के लिए गए हुए हैं वो सारे बच्चे थम्सअप सारे बच्चे बताओ देखे रणथम्बोर गुजरात में उत्तर प्रदेश में राजस्थान में कि मध्य प्रदेश में और मैं इसके पास में केवला देव भी लिख रहा हूँ भाई साहब केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है यह भी साथ में बता देना है ना बिल्कुल जी बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है गिर गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है भाई साहब है ना हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बता देना फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से हाँ बहुत बढ़िया साबाश हाँ हरसी प्रजापत सौरभ जी पूनम जी कोमल जी ज्योति जी हाँ महिला जयवर्धने हाँ अनन्या खान रेशमा रुस्तम नीलम लोम्बा लोनावा महिमा अमीशा अजय पियासा विनीता काजल वंश निकी सपना पूर्णिमा प्रभाकर सुनीता अनु यादव सोनम भारद्वाज अंजलि दीपाली अनीशा डावर पवन कमला चौधरी रवि मीनू अरविंद भाई सपना लेडी शिवम धर्मेंद्र राव देवेंद्र अमीषा आशुतोष दीपाली सूरज शगु सुधा रमेश कप्तान सरिता जी अनुराग प्रियंका दुर्गा सोनाली राव नाजिया बहुत बढ़िया चित्रांशी त्राप्ति आरू हाँ शहबास भाई हाँ दी, दीक्षा जी दीक्षा दीक्षा अब आप कह रहे हो कि रणथंबोर राजस्थान के अंदर है ये बात बिल्कुल सही है रणथंबोर जो है आर से रणथंबोर आर से राजस्थान याद रख लो जी से गिर और जी से गुजरात याद रख लो इतना तो याद रखी लोगे अब के से केवला देव के से कर्नाटक याद मत रख लेना केवला देव राजस्थान में ही है राजस्थान के भरतपुर में है ना बिल्कुल जी बच्चों एक वो कौन सा जो है अभ्यारण्य है जिसमें हाल ही चीता को लाया गया आपको पता है ना कुछ समय पहले चीता लेके आए थे हम लोग एमपी के अंदर कहीं थे वो कौन सा था बताना नाम उसका हाँ मनुष्य में लिंग गुण सूत्र कौन कौन से होते हैं सेक्स क्रोमोजोम ऑफ ह्यूमन बींग बताओ देखे एक तो ओटोजोम भी बता दो ओटोजोम ऑटोजोम कितने होते हैं और लैंगिक गुणसूत्र कितने होते हैं और कौन से होते हैं बताओ फटाफट देखें हाँ रीना जी ललिता अनुराग जल्दी बताओ देखें नूर हाँ आरती जी जल्दी बताओ देखें लक्की इकरा, हाँ अंकिता बबीता रीशु रागिनी सुशांत एक्स एक्स ए, ए, ए एक्स वाई बोथ ए एंड सी ए और सी दोनों भाई साहब लैंगिक गुणसूत्र यह तो आप बता के रहोगे आंसर प्रतीक यादव आप सही बोल रहे हो बिल्कुल पूजा वर्मा अमीषा सानिया खान कोमल तिवारी नैना पटेल हाँ नरेश वटी, आर्यन श्रीवास्तव आयुषी राम प्रवेश हाँ समरेश कुमार मोहिनी यादव वंदना मोहित सारस्वत आरू स्नेहा बिल्कुल सही आंसर है अब ध्यान से सुनना भाई साहब देखो एक्स एक्स यह तो होता है फीमेल के अंदर एक्स वाई यह होता है मेल में यह तो लैंगिक गुणसूत्र है है ना जबकि ऑटोजोम की अगर बात करूं तो यह 22 जोड़े मतलब टोटल कितने होते हैं 44 मेल और फीमेल में एक जैसे होंगे याद रखना यह मेल में और फीमेल में बच्चों एक जैसे होते हैं समान होते हैं लेकिन ये जो है ना मेरे दोस्तों हमेशा मेल और फीमेल में अलग अलग होंगे है ना भाई साहब सब सबसे कम जीन कौन से गुणसूत्र पर होते हैं बताओ देखें हाँ शाहबास जी हाँ द मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट भ्रमणशील आनुवंशिक पदार्थ बताओ देखें ट्रांसफेरेबल जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफेरेबल जेनेटिक मटेरियल ऐसा कौन सा आनुवंशिक पदार्थ है जो ट्रांसफर हो सकता है जो बच्चों ट्रांसफेरेबल है उसका कारण म्यूटेशन भी हो सकता है या कोई और रीजन भी हो सकता है बताओ देखें स्प्लिट जीन ट्रांसपोज़ोन प्रियोन्स या इंट्रॉन्स फटाफट बताएंगे भाई साहब जल्दी से जल्दी आंसर आना चाहिए हां सपना जी आरती जी सूरज जी 2024 के लिए विजय एजुकेशन एप में अगर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम पैरामेडिकल फार्मेसी फिजियोथेरेपी या मेडिकल क्षेत्र के नर्सिंग क्षेत्र के पैरामेडिकल क्षेत्र के किसी भी प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो तो विजय एजुकेशन से आप जुड़ सकते हैं विजय एजुकेशन पूरे भारत वर्ष के अंदर एकदम नाम मात्र की फीस में पढ़ाता है बच्चों और मैं तो ये कहूंगा कि विजय एजुकेशन फीस नहीं लेता फ्री में पढ़ा रहा है क्यों क्योंकि भाई साहब जो एप का चार्ज लगता है वही आपसे लिया जाता है बाकी तो भाई साहब मेहनत की जाती है और जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उतनी आप कर रहे हो दिख रही है मुझे हाँ जी फटाफट से आंसर देंगे ये नया है आपके लिए बताओ देखें ए और बी में बच्चा युद्ध चल रहा है सुन लेना स्प्लिट जीन नहीं होगा स्प्लिट जीन तो कौन सा होता है पता है आपको आपने बच्चों यूकैरियोटिक में यूकैरियोटिक में आपने मैसेंजर आरएनए का निर्माण पढ़ा होगा यूकैरियोटिक में एमआरएनए कैसे बनता है देखा आपने पहले यूकैरियोटिक में डीएनए से क्या बनता है पता है आपको डीएनए से एच एन आर एन ए बनता है एच एन आर एन ए में बच्चों इंट्रोन होता है और साथ में एग्जोन भी होता है इंट्रोन भी होता है और एग्जॉन भी होता है फिर एच एन आर एन ए से बच्चों बनता है मैसेंजर आर एन ए है कि नहीं है जब मैसेंजर आर एन ए बनता है ना एच एन से तो हम क्या करते हैं इस इंट्रोन को रिमूव कर देते हैं इस इंट्रोन को हटा दिया जाता है और एक्जोन को एक्जोन के साथ जोड़ दिया जाता है इस तरह के मैसेंजर इस तरह के आर एन ए को ही हम परिपक्व एम आर एन ए कहते हैं तो बच्चों इस प्रोसेस को हम इस बोलते हैं तो आरएनए के निर्माण के दौरान आरएनए स्प्लिसिंग किसमें चलती है यूकैरियोटिक के अंदर यूकैरियोटिक में डायरेक्ट एमआरएनए नहीं बनेगा पहले डीएनए से एचएनआरएनए बनता है फिर एचएनआरएनए के अंदर के इंट्रोन इंट्रोन बच्चों ऐसा भाग है जिसके पास प्रोटीन बनाने की सूचना नहीं होती है और एग्जॉन ऐसा भाग है जो एक्सप्रेस होता है जिसके पास प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है इसलिए एमआरएनए में हम केवल एक्ज़ोन को भेजते हैं एक्ज़ोन को जोड़ते हैं है ना बिल्कुल तो भाई साहब इस तरह के जीन को ही हम स्प्लिट जीन बोलते हैं जिसमें इंट्रोन भी है और एक्ज़ोन भी है है ना तो भाई साहब ट्रांसफेरेबल जेनेटिक मटेरियल तो नहीं है स्प्लिट जीन यह तो अलग चीज है इंट्रोन इंट्रोन तो एच एन आर एन ए में जो नॉन एक्सप्रेसिव जो भाग है ऐसा भाग जो एक्सप्रेस नहीं होता है जो भाग है का उसको बोलते हैं इंट्रोन प्रियोन्स तो एकदम अलग चीज हो गई भाई साहब है ना तो सीधी सी बात है इसे बोलेंगे ट्रांसपोजोन ये बात आपको याद रखनी है बच्चों ट्रांसपोजोन इस पे क्वेश्चन आ सकता है ये एक तरह का जंपिंग जीन है कैसा जंपिंग जीन है उछल कूद करने वाला बंदर की तरह है ना यह जंपिंग जीन है भाई साहब कैसा जीन है जंपिंग जीन है भाई साहब सुनो जी खुशी जी खुशी सर मेरा नाम कभी नहीं लेते ये ले लिया खुशी जी अब 2024 की मिठाई आप खिलाएंगे अब बोलो अब बोलो आप सारे बच्चों के लिए पैकेट भिजवा दो हाँ सुनो जी सुनो पेरीपैटस संयोजक कड़ी है बताओ देखे पेरीपैट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ये बच्चों एक क्वेश्चन एग्जाम में हंड्रेड परसेंटेज आएगा कनेक्टिंग लिंक का कनेक्टिंग लिंक का एक क्वेश्चन तो आएगा हा है ना मेरे करण अर्जुन तो आएंगे भाई साहब यही है वो करण अर्जुन कनेक्टिंग लिंक है ना हाँ, ये वही वाली बात है जुड़वा वाली बात मैं कल बोल रहा था एक को चमाट पड़ती है दूसरे को दर्द होता है है ना एक को खुजली आती है दूसरा खुजाता है इस तरह की जुड़वा वाली बात है ये देखो आर्कियोप्टेरिक्स नाम सुना है आर्क्यो तो आर्की किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है बता दो देखें हाँ जो कि एक फोसिल था एक जीवाश्म था बच्चों, है ना 150 मिलियन ईयर ये बच्चों, इस पृथ्वी पर रहा करता था है ना ये किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है भाई साहब? रेप्टाइल और बर्ड के बीच की बहुत बढ़िया शाबाश किसने बोला भाई ये आंसर ये किसने दिया रेप्टाइल और बर्ड ये क्या हो रहा है भाऊ ये शब्दों का कैसा जाल है कुछ बदल गया का हाँ बदल गया जी अच्छा लाइटर कर दिया हमने ओके ये बर्ड है और ये रेप्टाइल है इनके बीच की जो संयोजक कड़ी है उसको आर्कियोप्टेरिक्स बोलते हैं और पेरीपेटस किसके बीच की है भाई आर्थरो मोलस्का इकाइनोडर्मेटा पोरीफेरा सिलेंटेटा और रेप्टाइल एविच रेप्टाइल और एविस के बीच की तो ये है आर्कियोप्टेरिक्स है ना पोरीफेरा सिलेंट्रेटा तो कतई नहीं हो सकता मोलस का भी नहीं आर्थ्रोपोडा और एनीलिडा याद रख लेना भाई साहब ये चीजें तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी ये दोनों कनेक्टिंग लिंक याद रखना बर्ड को ही एविस बोलते हैं भाई साहब है ना बिल्कुल जी आगे बढ़े अरे बिल्कुल बढ़ना है इनको जानते हो इनको ओलैंड के थे इन्होंने बच्चों कौन सी थ्योरी दी नेचुरल सिलेक्शन लॉ ऑफ डोमिनेंस थ्योरी ऑफ म्यूटेशन लॉ ऑफ से बच्चों यूगो डी वेरिज ने प्रथाकरण उत्परिवर्तन प्रभाविता या प्राकृतिक चयन कौन सा सिद्धांत दिया मेरा नाम क्यों नहीं लेते शारू चौधरी जी सब शारो शे अखो भारत मारोश है ले जल्दी बताओ भाई साहब सीवी जी सब कुछ अच्छा है हाँ हाँ अनुराग जी नेहा अंजलि अब मैंने बोल दिया आखो भारत मारोस है अब थोड़ी देर बाद मोदी जी आ जाएंगे कौन था हाँ ऐसा किसने बोला भाई हाँ हालत खराब हो जाएगी हमारी हाँ हाँ मानसी ज्योति आर्या खुशबू हाँ बहुत बढ़िया सर नई बुक्स कब लॉन्च होगी भाई साहब बुक्स जो हैं वो जनवरी के फर्स्ट वीक में प्लान कर रहे हैं हाँ एक भाई साहब एक आरजे थी शायद आरजे गुजरात के अंदर वो एक रेडियो का प्रोग्राम चलता था उस पर आती थी है ना तो वो बोलती थी सारो से और आँखों गुजरात मारो से ठीक है ना इस तरह से बोला करती थी हाँ मेरे दोस्तों कोमल जी लक्ष्मी जी अंजलि जी एकता जी सीवी जी शैतान जी बहुत बढ़िया म्यूटेशन अब एक छोटी बात और पूछूं पूछ लो गुरुजी तो बताओ मुझे अगर मैं ये कहूं कि म्यूटेशन यूगोडी डीवेरिज़ ने दिया बहुत अच्छी बात लेकिन अगर मैं आपसे यह पूछूं मेरे लाडलो कि यह सेग्रेगेशन की थ्योरी किसने दी डोमिनेंस की थ्योरी किसने दी और नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किसने दी एग्जाम में तो यह भी आ सकता है बोलो हाँ डॉक्टर अनामिका राज ब्रह्मास्त्र बेच सोनम भारद्वाज अर्ची मिश्रा निशा कुमारी कौशल यादव बहुत बढ़िया हाँ मानक गुप्ता विशाल यदुवंशी मुस्कान यादव लक्ष्मी गुप्ता जल, जल्दी बोलो बेटा हाँ जी धंधे, बहुत ही बढ़िया बहुत शानदार ये दोनों थ्योरी याद रखना एक तो सेग्रेगेशन और एक लॉ ऑफ डोमिनेंस यह दी थी मेंडल जी ने है ना ग्रेगर जोहान मेंडल, है ना और यह नेचुरल सिलेक्शन ये किसने दी थी भाई साहब ये दी थी आपके चार्ल्स डार्विन ने डार्विन ने है ना याद रख लोगे क्या बिल्कुल याद रखेंगे है ना बिल्कुल जी और यूगोडीवेरिज ने म्यूटेशन वाली थ्योरी दी थी और म्यूटेशन की डिस्कवरी किसमें की थी बता है इवनिंग प्रीम रोज में इवनिंग प्रीम रोज नाम का एक प्लांट था बच्चों और उसमें म्यूटेशन की डिस्कवरी हुई थी उत्परिवर्तन की खोज हुई थी और म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल आनुवंशिक पदार्थ में अचानक बदलाव होना है ना आनुवंशिक पदार्थ में अगर कोई परिवर्तन आता है अचानक सडन चेंज आता है बच्चों और यह चेंज होता है रैंडम और यह चेंज होता है नॉन डायरेक्शनल म्यूटेशन की कोई दिशा नहीं होती याद रखना म्यूटेशन रैंडम होता है यादर्शिक होता है अचानक होता है और म्यूटेशन की बच्चों हेरिडिटी होती है वंशानुगत होता है म्यूटेशन याद रख लोगे क्या बिल्कुल म्यूटेशन की वजह से जो वेरिएशन आता है उसे डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन बोलते हैं असतत विभिन्नता म्यूटेशन से कैसी विभिन्नता उत्पन्न होती है विभिन्नता उत्पन्न होती है म्यूटेशन जो है होते हैं बच्चों है ना बिल्कुल जी बहुत ही बढ़िया म्यूटेशन लाभदायक भी हो सकते हैं और हानिकारक भी हो सकते हैं गामा रे के द्वारा हमने म्यूटेशन पादपो में उत्पन्न करवाया था उनकी वेराइटी को बदलने के लिए है ना बिल्कुल जी और कई बार म्यूटेशन से रोग भी हो जाते हैं बीमारियां भी हो जाती है बहुत बढ़िया अमनपाल जी ट्रांसजेनिक हिरुडीन निम्न निम्नांकित में से किस से प्राप्त किया जाता है ट्रांसजेनिक हिरुडीन इज ऑप्टेन फ्रॉम विच ऑफ फॉलोइंग निम्न में से किसके द्वारा हिरुडीन प्राप्त होता है आलू से ब्रेसी का नेपस से टमाटर से ओसिमम सेक्टम से बताओ देखे भाई साहब एक तो हिरुडीन और एक यहां पे नाम और बता रहा हूं फ्लेवर सावर है ना एक नाम बता रहा हूं मेरे दोस्तों फ्लेवर सावर एक नाम बता रहा हूं रोजी है ना रोजी गाय नाम सुना होगा बिल्कुल सुना है जी एक नाम बता रहा हूं बीटी कोटन सुना होगा बिल्कुल सुना है इन चार पांच में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपका खुशबू यदुवंशी जी भाई कोई दुश्मन नहीं है नहीं तो पानी पिला दो ना हाँ। अब सुनो उपेंद्र जी ममता जी पवन सैनी जी कुसुम हाँ शेषता जी हाँ बहुत बढ़िया जी सिका ओझा जी पूजा सैनी जी आरती गौतम जी हां नीलेश जी हाँ अरे अरे रूही जी आप आंसर नहीं देते जी ब्रेसी का नेपस ये क्या चीज है भाऊ सुनो ये भी हमने बायोटेक्नोलॉजी से बनाया था मेरे लाड लो में अपन किसी का जीन किसी में भेज देते हैं। भाई साहब हालत खराब कर देते हैं जीनों की अब सुनना मेरी बात सुनना मेरी बात ये लो जी हमने कहा बच्चे की जान लेगा का बच्चा समझ चुका है और पानी पिला रहा है है ना हाँ रिचार्ज कंप्लीट हुआ रिचार्ज कंप्लीट हुआ अब सुनो हाँ भाई साब सुन लो मेरे दोस्तों आपने हिरुडिनेरिया नाम सुना है क्या सर इतना बड़ा नाम हमने तो कभी नहीं सुना सच में हाँ, चलो कोई नहीं आपने जोंक नाम सुना है क्या कौन सी जोंक सर वो जो जुल्फों में जुए होती है वो अरे वो नहीं भाई वो तो अलग चीज है ये होती है लीच लीच ये एनी लिडा है एनी लिडा ये बच्चों ये भी है तो ये भी एकटोपेरा साइट है।, है ये है भी ब्लड को सक करती है। लेकिन ये वो जुए नहीं है जुल्फों वाली है ना तो ये हिरुडिनेरिया जो होता है ना बच्चों ये पशुओं के मवेशी के शरीर के ऊपर चिपका रहता है और ये अपने लार के अंदर एक केमिकल छोड़ता है एक रसायन इससे हमारा जो ब्लड है ना वो बहुत पतला हो जाता है रक्त जमता नहीं है तो इसके इसके द्वारा बच्चों रक्त पदार्थ रक्त पदार्थ मतलब एंटीकोग्यूलेंट एंटी कोग्यूलेंट इसके द्वारा सीक्रेट होता है के द्वारा जौक के द्वारा और उस पदार्थ का नाम है यूरोडीन तो ऐसा हमारे ब्लड में भी तो है बच्चों एक जैसे इरुडिन इरुडिनरिया निकालता है वैसा का वैसा हमारे ब्लड में भी तो है ह्यूमन के ब्लड में कौन सा होता है भाई जो रक्त को जमने से रोकता है उसका नाम क्या है बोलो तो हेपरिन अरे मेरे दोस्तों हेपरिन नाम नहीं सुना क्या हेपरिन हमारे ब्लड के अंदर भी है जो हमारे ब्लड को जमने नहीं देता समझ रहे हो तो चिकित्सा के क्षेत्र में हमें इसकी भी कभी कभार जरूरत हो जाती है अगर किसी में हिपेरिन की कमी हो गई है ना तो मेरे दोस्तों हिरुडिन जैसी चीजें भी कई बार काम आ जाती है तो हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने इस हिरुडिनेरिया जोंक से मदद मांगी हमने कहा बेटा एक काम करो हिरुडिन बनाने वाला जीन हमें दे दो तो हमने ये जीन निकाला जोंक से और डाल दिया एक प्लांट के अंदर प्लांट में डाला तो प्लांट के जो बीज थे उन बीज में क्या बनने लग गया हिरुडिन याद रख लेना और उस प्लांट का नाम था का नेपस तो का नेपस में किसका जीन डाला हिरुडिनेरिया का हिरुडिन बनाने वाला हिरुडिन क्या है हिरुडिन एक एंटीकोगुलेंट है रक्त को जमने से रोकने वाला पदार्थ है किसके समान होता है हिपरिन के समान होता है समझ में आई बात अब भी समझ में नहीं आई अब भी नहीं आई ना समझ में है? आवाज लगाऊ आपके मम्मी पापा को जोर से बोलू कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है करवाऊ पिटाई कि मान जाओगे आज थर्टी फर्स्ट है मैं सोच रहा हूं कि मैं कुछ ना बोलू कुछ ना बोलू है सुनो फ्लेवर सावर कहा है फ्लेवर सावर एक टोमेटो है मेरे लाड लो और ये टोमेटो कभी सड़ता नहीं है फ्रेश रहता है हमेशा इसकी कटाई कर लो बाद में भी फ्रेश रहेगा रोजी ये गाय है बच्चों जिसमें मानव दुग्ध प्रोटीन का जीन डाल दिया एक माँ के दूध के अंदर जो प्रोटीन होती है ना एल्फा लेक्ट एल्बुमिन वो प्रोटीन वाला जीन हमने गाय में डाला तो गाय के दूध में भी ह्यूमन मिल्क प्रोटीन बनने लग गई एल्फा लेक्ट एल्बुमिन एल्फा लेक्ट एल्बुमिन जी, ये माँ के दूध के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन है है ना ये बच्चे के लिए बहुत जरूरी है क्या हम गाय का दूध सीधा छोटे बच्चे को पिला सकते हैं नेवर उसमें ये प्रोटीन नहीं होती तो हमने मदर के मिल्क की प्रोटीन डाल दी गाय में अब गाय के मिल्क में भी अल्फा लेक्ट एल्बुमिन बनने लगे अच्छी बात है कि बुरी बात अच्छी बात है बीटी कॉटन तो मैंने बताई दिया क्राइजिन डाल करके इसे कीट प्रतिरोधी बना दिया हमने बहुत ही बढ़िया बात बहुत ही बढ़िया बात निम्नांकित में से किस बीमारी का रोग जनक है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका इज ए पैथोजन ऑफ विच डिजीज ऑफ फॉलोविंग एंटमीबा हिस्टोलाइटिका ये कहा है भाई ये है का बोलो कौन सी बीमारी होगी इससे बताओ देखे इससे अमीबिय होगी कि टिटेनस होगा कि टाइफाइड होगा चैक पॉक्स होगा बोलो देखे कौन सी बीमारी होगी भाई एंथ अमीबाइसोलाइटिका तो बोलो देखे ये मुझे ये बताओ कि ये बैक्टीरिया है ये फंगस है ये प्रोटोजोआ है कि ये वायरस है ये भी बताओ ये भी बताओ चलो संदीप जी ये भी बोलो प्राची आंचल गायू काजल निधि श्वेता अंजलि कामिनी केशव बप्पू बपू टीवी अंजलि नेहा जगत सारन माई लाइन विनीता सोनालिका तिवारी सोनालिका सोनालिका बहुत अच्छा नाम है हाँ मनीषा गुप्ता अर्चना अनामिका आर्यन श्रीवास्तव रूही मुस्कान नूर जहां प्रियंका अमीसा प्राज्ञा मौर्या हाँ जी काजल उजाला राधिका विशाल हाँ इनुष आकाश शाहानी जल्दी बोलो बेटा महादेव जी का लाडला प्रोटो जो आए है बैक्टीरिया नहीं है ये बैक्टीरिया कौन बोल रहा है भाई हैं? कौन बोल रहा है बैक्टीरिया ये भाई प्रोटोजोआ है प्रोटोजोवा एंटमीबा हिस्टोलाइटिका यह एक प्रोटोजोआ है जैसे प्लाज्मोडियम होता है ना वैसे ही बैक्टीरिया फंगस वायरस नहीं है यह दूसरी चीज सुनो इससे बीमारी जो होती है उसका नाम है ये बीमारी होती है बच्चों इससे और एक चीज और बताऊं पहले पूछ लेता हूं ये जो प्रोटो है ना ये एंडोपेरासाइट है हमारे शरीर के अंदर पैरासाइट के रूप में रहता है बच्चों तो बताओ देखे शरीर के कौन से भाग में पैरासाइट के रूप में रहेगा लार्ज इंटेस्टाइन में कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बताओ देखे लार्ज इंटेस्टाइन में कि स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन का ये एंडो पैरासाइट है याद रखना ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है प्रोटोजोआ से होने वाले दो रोग एक तो अमीबियसिस और दूसरा मलेरिया एंटमीबाइस्टोलाइटिका लार्ज इंटेस्टाइन में प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम हमारे शरीर के अंदर लीवर और आरबीसी में है कि नहीं है अरे बोलो है कि नहीं है हाँ है है ना हाँ जी नेक्स्ट एक पारितंत्र के ये दो घटक हैं द टू कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम हमारे इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट कौन से हैं बताओ देखें आप मेरा नाम लेते हो सर अंशिका जी हमेशा लेता हूं आपका नाम तो अनीसा डावर दीक्षा विनीता निगम हाँ अंसारी प्रियंका प्रजापति हाँ सलोनी जी हाँ संजू जी रेखा वंदिता यादव हाँ गौतम गीतांजलि सुषमा चलो जी देखिए एनर्जी फ्लो मिनरल साइक्लिंग प्लांट एनिमल ए बायोटिक बायोटिक बोथ बी एंड सी इसने कहा कि हमारा जो इकोसिस्टम है हमारा जो पारितंत्र है जिसमें बच्चों आप और हम सब रहते हैं और 2024 में भी रहेंगे है ना बिल्कुल जी यह देखिएगा हाँ, शिवांगी जी जल्दी बोलो निधि जी अर्चना जी ये किससे मिलकर बना है भाई साहब ऊर्जा प्रवाह और खनिज लवण से पादप और जंतु से जैविक और अजैविक घटक से कि बी और सी दोनों से खुशी राठौर, अखिलेश यादव जी अखिलेश जी जुड़े हैं देखो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री बहुत अच्छी बात है सहेलजा बर्मन जी दीप्ति साखिया जी आशीष कुमावत जी तानिया सचन जी जमुना जी बहुत बढ़िया अनुराग जी अनुराधा शर्मा जी सवाई प्रजापत जी चांदनी कुमारी जी जसवंत यादव जी हाँ बहुत अच्छा जी बहुत अच्छा गीता ठाकुर जी पूजा कुमारी जी बहुत बढ़िया जी कोमल तिवारी जी पंकज कुमार जी दानिश पटेल जी है ना आकांक्षा सिंह जी बहुत बढ़िया अटल टू जीरो गुड मोहित पाल जी हरकेश जी वेरी गुड जी वेरी गुड अंशिका जी आपको भी बहुत बहुत बधाई इस नए वर्ष की हाँ हरकेश सैनी जी राधा कुमारी जी आपको बहुत बहुत बधाई हाँ तुलसी जी आपको भी बहुत बहुत बधाई सुनिए देखें बच्चों एक तो बायोटिक कंपोनेंट है और दूसरा ए बायोटिक है एक तो जैविक घटक है और दूसरा अजैविक है जैविक में तो सारे आपके प्लांट आते हैं सारे आपके एनिमल आते हैं है ना और ए बायोटिक में ये वाटर है ये आपका एयर है ये आपकी लाइट है ये आपकी सोइल है यानी मर्दा है ये अजैविक घटक है, है ना? तो बायोटिक और ए बायोटिक जो कंपोनेंट है ये हमारे इकोसिस्टम के कंपोनेंट है इकोसिस्टम इनसे मिलकर के बना है कि नहीं बना बिल्कुल बना है क्या इकोसिस्टम में प्लांट और एनिमल भी नहीं है क्या बिल्कुल है तो भाई साहब ये डी करेक्ट होगा यहां पर डी याद रखना प्लांट है एनिमल बायोटिक और एबायोटिक। ये अगर यह डी लिख देता तो भाई साहब तो फिर हम सही मानते थोड़ी ना देखो अगर ऊपर ऐसे लिखा होता ना एयर लाइट ऐसे करके है ना तो फिर हम सही मानते बहुत बढ़िया बच्चों हमारे इको में बताओ मेन मेड इको कौन सा है मेन मेड इस पे क्यों सनाता है बच्चों कि बताओ मेन मेड इकोसिस्टम कौन सा है मानव जनित इकोसिस्टम जिसको आपने बनाया मैंने बनाया रिप्रोडक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व गेमेटिक यूनियन इज कॉल्ड बताओ देखे ऐसा कौन सा रिप्रोडक्शन है ऐसा कौन सा रिप्रोडक्शन है जिसमें बच्चों गेमिट फ्यूजन नहीं होता गेमिटिक फ्यूजन नॉट इन्वॉल्व बताओ देखें ऐसा कौन सा रिप्रोडक्शन है जिसमें गेमिट मिलते ही नहीं युग्मक मिलते ही नहीं फटाफट आंसर देंगे भाई साहब वेरी गुड साबाश अरे ये फॉरेस्ट किसने बोला भाई हमने बनाया है का फॉरेस्ट को पोड किसने बोला एग्रीकल्चर फील्ड अरे भाई सुन लो मेन मेड इकोसिस्टम में हमारे फार्म होते हैं कि नहीं होते हैं खेत उद्यान ये जो गार्डन होता है ना ये हो गया ये एग्रीकल्चर जो फील्ड होते हैं ना ये मेन मेड है बच्चों फॉरेस्ट है नदी है समुद्र है ये मैंने थोड़ी बनाए है क्रॉप फील्ड सही बात है एग्रीकल्चर फील्ड सही बात है सुसंसु, सुषमा मिश्रा ब्रह्मास्त्र बेच, जल्दी बोलो देखें, गेमीट तो मिले ही नहीं गेमीट तो मिले नहीं फिर भी गेमीट नहीं मिले फिर भी नया पौधा बन गया बताओ इसको क्या बोलोगे एपोमिक्सिस पार्थेनोजिनेसिस डबल फर्टिलाइजेशन या पेरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब बोलो अब बोलो हाँ, आपको भी मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत हैप्पी 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 न्यू ईयर। तो आपको भी मेरे प्यारे लाड लो है हाँ। गुरुमुखी जी एपोमिक्सिस लिखा है आपने सही लिखा है प्राज्ञा मौर्य आपने भी सही बताया आईसा पार्थेनोजेनेसिस नहीं होगा गुड़िया आयसा जी आपने सही नहीं लिखा है आयसा की मम्मी सुनते हो ये आपकी आयसा गलत आंसर दे रही है इसके आप एक चमाट लगा दो थोड़ी सी हाँ ये पढ़ती नहीं है बस हाँ सुनो आप हाँ अब सुनो अब देखो मेरे मित्रों एपोमिक्सिस सही होगा इसको असंग जनन बोलते हैं असंग जनन में बिना युग्मक मिले बिना युग्मक के मिले जो है वो प्लांट बन जाता है पौधा बन जाता है बीज बन जाता है क्या बन जाता है हाँ, मेरे मित्रों सुन लेना पार्थेनोजेनेसिस। अब इसमें कहा होगा भाऊ देखो तो देखो बिना युग्मक के भ्रूण का निर्माण बिना युग्मक मिले भ्रूण बन गया तो वो है एपोमिक्सिस है ना पार्थेनोजिस क्या है भाई इसे बोलते हैं जनन ए जनन तो इसमें क्या होगा बिना निषेचन के नए जीव की उत्पत्ति बच्चों मैं इसका एक उदाहरण दे दूं आपको सर दे दो ड्रोन नाम सुना है ड्रोन का अरे ड्रोन नर मधुमक्खी नर मधुमक्खी से उत्पन्न होता है याद रखना नर मधुमक्खी है ना अनिश्चित अंडे से उत्पन्न होती है है ना अनफर्टाइल एग से उत्पन्न होती है डबल फर्टिलाइजेशन तो वैसे भी नहीं हो सकता है ना बिल्कुल जी बच्चों शंस इज फाउंड इन सुपोषण किस में पाया जाता है पर्वतों में कृषि योग्य भूमि में लवणीय मृदा में कि झील में बताओ देखे सुपोषण पहले तो सुपोषण का मतलब पता है बोलो हाँ जी संजू जी रुद्रा आलिया आदित्या साक्षी ऋतिक प्रतिभा बंसल खातून अभिनव विशाल गोयल हाँ नीलिमा सर न्यू बेच में क्लास से कब स्टार्ट होगी बेटा नया जो बेच लॉन्च हुआ है इसमें आठ जनवरी को क्लास शुरू होगी आठ जनवरी को मैं आप सभी बच्चों से निवेदन करूंगा कि आपका कोई भी दोस्त आपका क्लासमेट आपका रिलेटिव जो विजय एजुकेशन के साथ जुड़ करके पढ़ना चाहता है नाइन एट टू एट सेवन टू वन टू टू नाइन ये नंबर दे दीजिएगा और आप उनको जरूर बोलिए कि विजय एजुकेशन के नाम से अपना मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड करना है और उसमें नया बेच मिलेगा उसको ज्वाइन करना है बहुत बढ़िया तरह से अपनी टीम पढ़ाती है मेहनत करवाती है आप में से भी कोई बच्चा जो पढ़ना चाहता है जो तैयारी करना चाहता है जो सिलेक्शन लेना चाहता है वो विजय परिवार के साथ आज ही इनरोल हो जाना जुड़ जाना है ना बिल्कुल न्यू ईयर पे नया संकल्प नई उम्मीद है ना बिल्कुल जी देखिए मेरे लाड लो देखो एक मैं पहले आंसर पे ही जाता हूं सीधा झील मेरे दोस्तों जो झील है ना इसमें आपको सुपोषण देखने को मिलेगा कैसे जैसे कोई नदी है कोई तालाब है कोई झील है वहां पर अलग अलग जगह से पानी आएगा उस पानी में बहुत सारे खनिज मिनरल आएंगे वो सारे उस जलाशय में आ जाएंगे जब जलाशय में अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी तो उसमें जलीय पौधे जो हैं, उनकी मात्रा नहीं बढ़ेगी क्या बढ़ेगी बहुत ज्यादा जलीय पौधे जब अंदर हो जाएंगे सेवाल ज्यादा हो जाएगा तो पानी के ऊपर एक परत बन जाएगी परत बनेगी तो अंदर लाइट नहीं आएगी अंदर ऑक्सीजन नहीं आएगी है ना तो ज्यादा बच्चों जब सुपोषण की स्थिति उत्पन्न होती है ना तो जो झीलें हैं, इनका टेम्परेचर बदल जाता है इनमें ऑक्सीजन का लेवल बदल जाता है यहां तक कि यह प्रदूषित हो जाती है झीलें है ना बिल्कुल जी बहुत ही बढ़िया आगे बदे बिल्कुल ये लो जी, रेशियो इन डाइ हाइब्रिड क्रॉस द्विसंकर संकरण में एफ टू पी डी का फिनोटाइप क्या होगा और अब बोलो वॉइस नहीं आ रही है क्या हाँ जी हेलो 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 अब आ रही है ना लो हाजी अब तो आ रही है भाई चलो अच्छी बात है अब आ रही है तो अच्छी बात है अब आ रही है तो अच्छी बात है जी सविता जी जल्दी बताओ डाय हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप कहा होगा है ना दो लक्षण है मैंने यहां लिख दिया गोल और पीले बीज वाले पौधे यहां मैंने लिख दिया जोरेदार और हरे बीज वाले पौधे इनसे ये एफ वन उत्पन्न हुई फिर एफ टू उत्पन्न हुई इसमें टोटल सिक्सटीन प्लांट है 16 पौधे अब इन सोलह का फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा अब आप बताओ देखें डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा हाँ बताओ देखें मम्मी बोल रही है आपका नाम क्यों नहीं लेते श्वेता यादव जी आप जीत बेच में जुड़े हुए हो आपका नाम हमेशा लेते हैं हाँ और मैं आपकी मम्मी को बता देना चाहता हूं कि आपकी जो श्वेता है वो बहुत अच्छा पढ़ती है हाँ अब मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं पढ़ती है हाँ हाँ जी छोटी जी काजल जी अमीषा जी सपना जी उजाला जी शुभम जी सुषमा जी विहान जी प्राज्ञा जी दीपिका जी बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया नाइन थ्री थ्री वन नाइन थ्री थ्री वन हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हाँ नाइन रेशियो थ्री रेशियो थ्री रेशियो थ्री रेशियो थ्री रेशियो थ्री रेशियो वन नौ तीन तीन एक इनको जोड़ दो टोटल सोलह ही होंगे बच्चों और अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस का पूछ ले तो यह तो द्विशंकर संकरण का है अगर मोनो हाइब्रिड का पूछ ले तो क्या लिखोगे बोलो अगर इसी क्वेश्चन में मोनोहाइब्रिड की एफ टू पी डी का पूछे तो तो क्या लिखना है बोलो थ्री वन तीन अनुपात एक लक्षण प्रारूप होता है बच्चों एक संकर संकरण का तीन लंबे और एक बोना बात सही है कि गलत है बिल्कुल सही है विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ एंडो माइकोराइजा अंत कवक मूल का निम्न में से कौन सा उदाहरण है माइको राइजा नाम सुना है माइको राइजा नहीं सच में अरे निधि दुबे माइको राइजा नाम सुना है हा सुना है तो बोलो कहां सुना है सर माइको राइजा एक सिम बायोसिस है एक दोस्ती है हाँ जी अरे वॉइस वाला तो प्रेंक किया था हमारी टीम ने आपके साथ अभी मजाक कर दिया मजाक हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी अब तो क्लास और चलेगी लगभग बीस मिनट और चलेगी सारे बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई साहब हाँ।, हाँ हमारी टीम ही हमारे साथ प्रेंक कर रही है भाई साहब हाँ सुनिएगा हाँ सुनो सुनो यहां पे है प्लांट यहाँ पे है फंगी और फंगी बच्चों जब पौधे की रूट के साथ जुड़ जाए पौधे की जड़ के साथ जुड़ जाए तो मेरे दोस्तों बनता क्या है बनता है माइकोराइजा बनता क्या है माइकोराइजा बहुत सारे हायर प्लांट है बच्चों जिनकी रूट के साथ में फंगी का सिम्बायोसिस होता है जिसको हम माइकोराइजा बोलते हैं जिसको हम कवक मूल बोलते हैं बच्चों है ना अब देखना आप यहाँ लिखा हुआ अगेरिकस ये तो बिल्कुल नहीं नो स्टॉक ये तो साइनोबैक्टीरिया है बच्चों साइनोबैक्टीरिया है ना और राइज़ोबियम ये तो बच्चों सिम्बायोसिस इसका लेग्यूम प्लांट के साथ है जो लेग्यूम प्लांट होते हैं ना इन लेग्यूम प्लांट के साथ इसका सिम्बायोसिस है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पांसिबल है तो फिर कौन सा होगा ग्लोमस ये ए बच्चों करेक्ट है ग्लोमस वंश के जो कवक होते हैं वो मेरे दोस्तों माइसीलियम my, सॉरी से आ गया माइकोराइजा बनाते हैं ग्लोमस वंश याद रखना कभी भूलना मत है ना बच्चों जो ग्लोमस होते हैं है ना वही आपके माइकोराइजा बनाते हैं याद रख लोगे सारे बच्चे माइकोराइजा क्या है हायर प्लांट की रूट के साथ में फंगस का सिम्बायोसिस और माइकोराइजा में फंगस क्या करेगा फंगस यहां से फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट को देगा अरे वाह अरे देगा वेगा। ये लो जी अम्लीय वर्षा का क्या कारण है वॉट कोजेज ऑफ एसिड रेन एसिड रेन नाम सुना है एसिड की रेन नहीं सुना अरे सुन लो भाई आज सुन लो हाँ किसने ज्वाइन किया है मैं तो कहता हूं सभी ज्वाइन करो भाई न्यू ईयर है न्यू ईयर पे विजय एजुकेशन को एक गिफ्ट देना चाहते हो तो अपने किसी एक दोस्त को विजय एजुकेशन के बारे में बता दो कि विजय परिवार एक ऐसा परिवार है जहां पे बहुत शानदार तैयारी करवाई जाती है अपने एक साथी को विजय एजुकेशन के साथ जोड़िएगा मेरे दोस्तों यह कारवा इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा है ना एक और एक ग्यारह होगा बच्चों आपकी मदद की वजह से आपके सपोर्ट की वजह से किसी भी एक साथी को विजय एजुकेशन के साथ जोड़िएगा है ना मेरे दोस्तों बस मैं आपसे यही इस नए साल पर मदद मांगने आया हूं है ना बिल्कुल जी एयर पोल्यूशन ऑटोमोबाइल पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन इंसेक्टिसाइडल पोल्यूशन अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना बच्चों देखो कीटनाशक जो होंगे वो तो इस जमीन पर ही रहेंगे वो तो पानी में जाएंगे लेकिन उनकी वजह से ऐसी ड्रेन तो हो नहीं सकती तो यह तो वैसे भी नहीं जल प्रदूषण की वजह से तो जल ये जीवों को नुकसान होगा वाटर पोल्यूशन से ऑटोमोबाइल पोल्यूशन से भी कोई फर्क नहीं पड़ना लेकिन जब वायु प्रदूषण होगा ना बच्चों एयर पोल्यूशन होगा वातावरण में सीओ टू एस टू जब यह गैसे बढ़ेगी ना बच्चों तो एसिड रेन होगा तो अम्लीय वर्षा होगी है ना तो जो पानी बरसेगा उस उस पानी का जो पीएच लेवल है वो डाउन हो जाएगा है कि नहीं बिल्कुल जी बिल्कुल अब बच्चों यहां पे लिखा है संकन स्टोमेटा इज फाउंड इन धसे हुए रंध्र किस में पाए जाते हैं एक तो धसे हुए रंध्र और एक स्कोटो तो एक्टिव स्टोमेटा यह बच्चों बहुत बार क्वेश्चन आता है, है ना स्टोमेटा स्कोटो तो एक्टिव स्टोमेटा इसे तिमिर सक्रिय रंध्र बोलते हैं तिमिर सक्रिय रंध्र। फटाफट से आंसर देंगे बच्चों हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट या जीरोफाइट। कौन से ऐसे पौधे हैं बच्चों जिनके पत्तियों के रंध्र धसे होते हैं बताओ देखें कौन से ऐसे पौधे हां अश्विनी जी शमारा खान नीलम पाल आरती पाल मैं चाहता हूँ यह क्वेश्चन सभी का सही हो सभी का सही हो हाँ, सर मैं 2024 के बेच को ज्वाइन कर रहा हूं बिल्कुल नए साल पे आपका स्वागत है विजय एजुकेशन में बहुत ही बढ़िया संजू जी वीरेंद्र जी सरदार शुक्ला निधि शीतल सोहिनी शमारा अदिति प्रांसी प्रीति सीमा मुस्कान कोरी राहुल कुमार गुप्ता आंचल सरोज रेनू सीमा आयुषी इबारा परवीन गीता अंचल तुलसी शिकाओजा आंसू नेहा कुमारी डॉक्टर सोनिया हाँ प्रिया सिमी वंदना सुजीत मोनिका अंकिता सोनालिका तिवारी दीपांशी युवराज आयशा नीलम उजाला ललिता स्वाई प्रजापत जमुना जल्दी, जल्दी 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 बहुत बढ़िया शाबाश देखो भाई हेलो फाइट नहीं हो सकता जान है ना अरे जहां लवणीय वातावरण होगा वो पौधे हेलो फाइट ना हाइड्रोफाइट जलीय पौधों के रंध्र क्यों बंद होंगे भला हा मीजोफाइट भी नहीं जीरो फाइट अरे भाई कोई पौधा अगर मरुस्थल में उगा हुआ है डेजर्ट में उगा हुआ है तो वहां जल की क्या है कमी है जल की कमी है तो उनके स्टोमेटा क्या रहेंगे बंद या धसे हुए रहेंगे जिससे क्या होगा वाटर लॉस कम होगा वाटर लोस क्या होगा मेरे मित्रों अरे भाई साहब पौधे कह रहे हैं कि यहां इस जमीन में पानी नहीं है हमारे जड़ को थोड़ा बहुत पानी मिल रहा है पीने को तो क्या वो पानी पूरा वाष्पोसर्जन के द्वारा पत्तियों से वास्पित कर देंगे का नहीं जड़ से पानी लेंगे और अपने रंध्रों को बंद कर देंगे है ना याद रखना इस तरह के हैं ये तो तिमिर सक्रिय रंध्र इनके रंध्र धसे होते हैं और रात को खुलते हैं है ना तो रात में बच्चों लाइट कम होती है सनलाइट कम होगी तो वाष्पोसर्जन कम होगा याद रखा करो अरे नाम नहीं सुना का कैक्टस का कैक्टस इसी तरह का तो पौधा है है ना ये लो जी आर्कियो ऑप्टेरिक्स किस काल में विकसित हुआ था आर्कियोप्टेरिक्स वाज इवोल्व ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ एरा वेरी वेरी मोस्ट जल्दी बताओ बच्चों और डायनोसोरस डायनोसोरस भी कब इवोल्व हुआ बताओ देखें अरे डायनोसोरस भी चला गया आर्कियोप्टेरिक्स भी चला गया के हमें फोसिल मिले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बच्चों हम ये किस आधार पे कह रहे हैं कि पहले आर्कियोप्टेरिक्स था हम ये किस आधार पे कह रहे हैं कि भाई साहब पहले डायनासोरस थे अरे भाई हमें कंकाल मिले हैं कंकाल कहा है बताओ कंकाल अभी मंगवाता हूं डायनासोरस का हा यहां तक कि हमें तो डायनासोरस का अंडा भी मिला है भाई हाँ सच में हाँ अब देखो बच्चों तो आर्क्यो ऑप्टेरिक्स जो है वो बच्चों आप यूं समझो कि इन आर्क्यो ऑप्टेरिक्स से बर्ड या जो एवीज हैं वो इनसे उत्पन्न हुए है ना तो रेप्टाइल और एवीज के बीच में इन दोनों की कनेक्टिंग लिंक है ये आर्कियोप्टेरिक्स है ना तो इस टाइम पीरियड में ये थे भाई साहब है ना ये इन इन दोनों के मध्य का जो टाइम पीरियड था इसमें ये थे है ना तो कार्बोनिफेरस की त्रियासिक। अब देखो बच्चों अब यहाँ पे बच्चों जहां तक मुझे लगता है ये जुरासिक काल ही होना चाहिए है।, है ना यही वो टाइम था लगभग 150 मिलियन ईयर अगो है ना उस समय बच्चों ये जो हैं ये पृथ्वी पर थे है ना ये देखो आप मैं आपको दिखाता हूं आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म मैं आपको दिखाता हूं ये मैंने मंगवाया था बच्चों विशेष आपके लिए मैंने कहा थर्टी फर्स्ट में एक बार आपको मैं दिखा दूं जाते जाते ये है हमारा आर्कियोप्टेरिक्स ये देखो ये मना कर रहे नहीं है तू तो कौन है? है अच्छा ये मानव है भाई साहब आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म नहीं है वो जीवाश्म बच्चों खो गया हमारा है ना हाँ जी है ना बिल्कुल जी तो देखो भाई साहब सुन लो मेरी बात सारे बच्चे तो यह जुरासिक काल के अंदर मिले थे कौन से काल में जुरासिक में याद रख लोगे नहीं रख लोगे बिल्कुल रख लेंगे भाई साहब ये लीजिएगा ये लीजिएगा ये क्वेश्चन है देखो क्या लिखा निम्नांकित किस पारजीवी पौधे में बीटा कैरोटीन और फेरीटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है बीटा कैरोटीन एंड फेरीटीन आर फाउंड इन इन अबंडेंट ऑफ़ फॉलोइंग पैरासिटिक प्लांट बताओ देखे ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें बीटा कैरोटीन बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है भाई साहब अब नाम अगर बोलेगा तो यह बोलेगा अब आज के बाद अगर कोई पढ़ाएगा इस विजय एजुकेशन पे तो मेरी जगह पांच बजे ये पढ़ाएगा ये टकलू पढ़ाएगा ये टकलू हाँ है ना हाँ जी अब आज के... नहीं पढ़ाएगा क्यों कितने बजे लेगा क्लास आठ बजे नहीं पांच बजे पांच बजे लेगा नहीं पता नहीं यार इसके दिमाग में क्या चल रहा है ये हमारे टेक्निकल टीम थी अच्छी तरह से काम नहीं करती थी आवाज को बंद कर देती थी लाइव समय पे लेती नहीं थी मैंने भाई साहब इनके यह हाल कर दिए देखो है ना हाँ है ना हाँ। हाँ। हनु भैया नहीं है ये भाई वो तो अभी इस दुनिया में है हाँ जिनका कंकाल निकाला है वो तो अब दुनिया में रहे नहीं हाँ देखो भाई साहब तो भाई साहब ये गोल्डन राइस है गोल्डन राइस गोल्डन राइस के अंदर है बीटा केरोटीन वाला जीन और इससे हमें मिलती है विटामिन ए विटामिन कौन सी मिलती है बच्चा ए बहुत बढ़िया जी बहुत ही बढ़िया और नाइट ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी नहीं होगी आपको नाइट ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी नहीं होगी बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार है ना अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग साइकिल द साइक्लिक चेंज टेक पेलेस ऋतु श्राव के दौरान चक्रीय परिवर्तन किस में होते हैं कार्पस ल्यूटियम में एंडोमेट्रियम में पेरीमेट्रियम में कि मायोमेट्रियम में बताओ देखे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान किस में बच्चों साइक्लिक चेंजेज होंगे जल्दी बोलो देखे किस में साइक्लिक चेंजेस होंगे भाई साहब अनुराग अक्षय जमुना साक्षी नीलम वैशाली हाँ जी बहुत ही बढ़िया जी हाँ हाँ बहुत बढ़िया सर इसको देख के डर लगता है अरे भैया ये तो हमारे सभी के बॉडी में कैसे डर लगेगा देखो हाँ ये तो बहुत अच्छा डांस करता है आज तो क्योंकि पता नहीं न्यू ईयर है इसका मूड खराब है बाकी ये बहुत अच्छा मतलब डांस करता है माइकल जैक्सन का नाम सुना है है ना ये उससे भी बेहतर और बढ़िया तरह से मेरे दोस्तों डांस करता है है ना हाँ देख लो आप एक मिनट देखो हाँ हाँ, मतलब भाई साहब देखो इसकी बॉडी देखो अब है ना हाँ अभी तो क्या है कि इसके वर्त चल रहे हैं सोलह सोमवार चल रहे हैं इसके हाँ ठीक है ना इसके बाद आप इसकी बॉडी देखना हाँ मैं दिखाऊंगा इसको वापस लाके इससे पहले इसने सेवेंटी फाइव हार डे किया था अब ये सोलह सोमवार कर रहा है हाँ सुनो देखो बच्चों अब देखो तो भाई साहब हाँ जी वास्तव में आप मान नहीं रहे हो भाई राहुल जी हाँ <laughs> चलो जी चलो भाई मत मानो अब कुछ बच्चों को लग रहा है सर ये सच में किसी की हड्डियां तो नहीं लेके आ गए हो आप तो भाई विजय सर का भरोसा नहीं है यहाँ डेजर्ट में रहते हैं हम लोग है ना तो ज्यादा यहाँ पर भाई साहब किसी दिन ज्यादा गर्मी होती है तो दिमाग घूम गया स्टाफ ने नहीं किया ढंग से काम तो कंकाल निकाल दिया है ना हाँ। हाँ। चलो जी हाँ दीपाली जी जसलीन जी श्वेता जी बहुत बढ़िया हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी सीमा जी।, जी अनुराग जी नेहल बाबू जी करीना सरोज जी ज्योति जी सबकेश जी चलो जी चलो हाँ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे तो भाई साहब ये है एंडोमेट्रियम है ना ये एंडोमेट्रियम है अब इस एंडोमेट्रियम के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बच्चों चेंजेज होते हैं क्या ये बात सही है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बच्चों कहाँ कहाँ पर चेंज होते हैं पता है आपको एक तो ओवरी के अंदर हार्मोनल चेंजेज होते हैं एक इस यूट्रस के अंदर चेंजेज होते हैं भाई होंगे ही तो है ना ये बात तो पता होनी चाहिए सीधी सी बात है और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना बच्चों याद रखो एक बात ये प्राइमेट्स के अंदर चलता है याद रखो प्राइमेट मेमेलियन हम मेमेलियन है ये तो पता है आपको हमारी क्लास हमारा वर्ग है मेमेलिया स्तनधारी है ना और हमारा ऑर्डर हमारा जो गण है ना बच्चो वो है प्राइमेट तो बच्चों जो प्राइमेट होते हैं ना प्राइमेट में आपका ह्यूमन है प्राइमेट में एप है प्राइवेट में ये मंकी वंकी है इनके अंदर चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल बाकी बच्चों एक मध्य चक्र और होता है मध्य चक्र है ना इसे स्ट्रस साइकिल बोलते हैं जो ये स्ट्रस साइकिल है ना बच्चों ये गाय है भैंस है भेड़ है बकरी है इनमें चलता है है ना याद रखना ये जो बच्चों है ना जैसे गोट हो गया शिप हो गई बफेलो हो गया इनके अंदर चलता है स्ट्रस साइकिल मतलब और प्राइमेट जो होते है, उनमें चलता है ये बात याद रख लोगे बिल्कुल रख लेंगे तो बच्चों यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है इसमें साइकिल चेंजेस होते हैं किसमें साइकिल चेंजेस होते हैं एंडोमेट्रियम है ना बिल्कुल तो बच्चों फोलिक्यूलर फेज में क्या होगा फोलिक्यूलर फेज में एंडोमेट्रियम मोटी होती है ल्यूटियल फेज में भी एंडोमेट्रियम थिक होती है लेकिन बच्चों मेंस्ट्रुअल फेज ब्लीडिंग फेज में यह डीजेरेट होती है है ना बिल्कुल जी ये बात आपको याद रखनी है अगला क्वेश्चन है एमनियो के द्वारा किसका विश्लेषण किया जाता है बताओ देखे विच वन इज एनाइज बाय एम सेंटा जल्दी बोलो नहीं बोलोगे वापिस बुलाऊं कंकाल महाराज को नहीं है मिस्टर कंकाल देव हाँ मेरे दोस्तों गीता जी ज्योति जी गिरीश जी निधिराज सलोनी वैष्णवी सुप्रिया रमेश अंशु अभिषेक हाँ शाबाश, हाँ जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शाबाश, सुनो जी सुनो जी सुनो जी एमनियो सेंटेसिस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमेशा पूछा जाता है बच्चों एमनियोसेंटेसिस में हम किसको एनालाइज करते हैं किसको चेक करते हैं अमीनो एसिड को एमनियन को एमनियोटिक फ्लूइड को ए और बी दोनों को ये लो जी अब कौन बोलेगा जल्दी बोलो भाई प्रिया जी रोशनी जी अंचल रूपाराठोड यासनी आरती जननव संगीता शिवानी गुप्ता सबाना नेहा प्रांसी पूनम कुमारी साक्षी ज्योति कुशवा अमीषा धाकड़, रानी खान खुशी गुप्ता पूनम वर्मा लक्ष्मी कुशवा सावित्री पाल ललिता चांदनी हाँ बहुत बढ़िया गुड़िया कुमारी जी शाबाश सुन लो मेरी बात ध्यान से बच्चों जब एक एक फीटस जब माँ के गर्भ के अंदर होता है तब उस भ्रूण के चारों तरफ

और जब इसे इंजेक्शन के द्वारा बाहर निकाला जाता है इसे एनालाइज किया जाता है मेरे मित्रों और इससे पता चल जाता है कि इस फीटस के अंदर इस भ्रूण के अंदर इस गर्भ के अंदर कोई आनुवंशिक रोग है कि नहीं है तो आनुवंशिक रोगों का पता लगाने में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का पता लगाने में है ना भाई साहब यह काम किया जाता है लेकिन बच्चों इस जांच के द्वारा ये भी पता चल जाता है कि यह जो भ्रूण है यह मेल है कि फीमेल है है ना तो भाई साहब यह लड़का है कि लड़की यह भी पता चल जाता है है ना बिल्कुल जी डाउन सिंड्रोम क्लाइन सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम इसका भी पता चल जाता है तो साथ ही साथ यह भी पता चल जाता है कि यह बालिका है कि यह बालक है यह भी तो पता चल जाता है ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है बताओ डज मॉडल मॉडल रिप्रेजेंट क्या प्रदर्शित करेगा फटाफट बताओ देगा जल्दी सारे बच्चे और भाई साहब इस को बैन कर दिया क्यों क्योंकि इससे लोग इसका कर रहे हैं भाई साहब हाँ बहुत बढ़िया बच्चे के जन्म से पहले ही यह पता लगा लेंगे कि आनुवंशिक रोग है कि नहीं बच्चे के जन्म से पहले यह पता लगा लेते हैं कि लड़का है कि लड़की और इस बदौलत बहुत सारे लोग बालिकाओं की गर्भ के अंदर हत्या कर देते हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है है ना बिल्कुल जी फटाफट बताओ देखे वॉट ऑपेरॉन मॉडल रिप्रेजेंट ऑपेरॉन मॉडल किस तरह का मॉडल है इसमें जीन के फंक्शन के बारे में बताया गया है कि जीन के बारे में बताया हुआ है जीन एक्सप्रेशन के बारे में बताया हुआ है कि जीन सिंथेसिस के बारे में बताया हुआ है रोशनी क्रिएटिविटी जी बताओ देखें पूजा वर्मा ध्रुव सिंह ध्रुवा बहुत बढ़िया पवन सैनी निवेदिता राजपूत अटल बेच दुबारा शैली सुरेंद्र हाँ अब यहां दो तरह के आंसर हो सकते हैं महक शुक्ला रूपा राठौड़ इसी का गुप्ता रचना कुलदीप नागर हाँ रेखा चौधरी चांदनी शर्मा कन्हैया हाँ जी अंजलि जी हाँ जी अरे वाह मेरे लाडले प्यारे बच्चे सुनो 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 देखो भाई साहब अगर देखा जाए ना तो ये जीन जीन रेगुलेशन रेगुलेशन है इसमें जीन रेगुलेशन के बारे में बताया हुआ है अगर बच्चों एक्सप्रेशन होता रेगुलेशन नहीं होता ना तो अपन एक्सप्रेशन को सही करते ये एक जीन रेगुलेशन को बताने वाला मॉडल है बच्चों याद रख लेना एग्जाम में कभी भी ये दोनों पॉइंट साथ में नहीं होंगे एक बात याद रखना दोनों कभी साथ दिए हुए नहीं होंगे है ना मेरे दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं दोनों साथ में नहीं होंगे नॉर्मली रेगुलेशन ही ऑप्शन में होगा आप याद रखना है ना तो भाई साहब आपने लेक ओपेर पढ़ा लेक ओपेर सर पढ़ा तो है तो बताओ देखे लेक ओपेर में प्रेरक पदार्थ कौन सा होता है प्रेरक इंड्यूसर फटाफट बता दो और दूसरा लेक ओपेर में स्ट्रेक्चरल जीन कौन से होते हैं और एक मुझे यह बताओ कि ओपेरोन किसे कहते हैं ओपेरोन ओपेरोन का क्या मतलब है बच्चों ओपेरोन हम किसको कहेंगे हाँ, ओपेरोन किसे कहेंगे अरे भाई साहब ओपेरोन किसे कहेंगे नहीं बोलोगे का यह लीजिए भाई साहब यह लीजिए न्यू ईयर पर चार लाख और पचास हजार वाह, सैल्यूट मेरे दोस्तों आपके इस बहुत बड़े कीर्तिमान के लिए विजय परिवार हमेशा ऋणी रहेगा भाई साहब थैंक यू सो मच थैंक यू जी थैंक यू बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए पूरी विजय टीम के लिए हर एक स्टूडेंट के लिए आज का यह दिन मेरे दोस्तों हमेशा याद रखा जाएगा इतिहास के अंदर सुनहरे अक्षरों में लिखा जा रहा है चार लाख और पचास हजार का यह परिवार आज थर्टी फर्स्ट को आपने न्यू ईयर का बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है हमें थैंक यू सो मच बच्चों थैंक यू सो मच थैंक यू जी थैंक यू बहुत बहुत बधाई थैंक यू सो मच मेरे लाड लो थैंक यू जी बच्चो थैंक यू सो मच चार लाख और पचास हजार का यह परिवार बहुत बड़ी बात है भाई साहब बहुत बड़ी बात आज का दिन बच्चों आपने बहुत ही स्पेशल बना दिया जैसा मैं शुरुआत में कह रहा था कि वास्तव में बच्चों आप स्पेशल हो और स्पेशल इस हो इसलिए आप लास्ट तक बने हुए हो है ना हाँ और इस मामले में मैं चाहूँगा कि हमारे जो कंकाल जी हैं वो भी एक बार आके आपको सेल्यूट करें है ना क्योंकि वो उस कोने में बैठे हुए हैं और वो बड़े खुश हो रहे हैं अब इससे पहले तो काफ़ी ये एरोगेंट टाइप के दिख रहे थे लेकिन अब ये खुश हो गए हैं तो ये भी भाई साहब आपको सैल्यूट देंगे हाँ जी तो इस पर एक थोड़ा रिकॉर्ड कर लें भाई सिस्टम पूरा हमारे कंकाल के द्वारा आपको सैल्यूट किया जा रहा है सारे मेरे प्यारे लाडले बच्चों को आज विजय परिवार चार लाख और पचास हजार का आंकड़ा मेरे दोस्तों प्राप्त कर चुका है आप बच्चों की बदौलत और इस मामले में कहीं ना कहीं ये मेरे दोस्तों आपको क्या कर रहा है सैल्यूट कर रहा है सलाम कर रहा है नमस्कार कर रहा है प्रणाम कर रहा है है ना आप सभी को मेरे दोस्तों कौन हमारा ये कंकाल है ना आप सभी को क्या दे रहा है भाई साहब सलामी दे रहा है आज ऐसा कभी देखा कि कोई कंकाल भाई साहब बच्चों को सल्यूट करता हो ऐसा केवल एक ही जगह हो सकता है और वो जगह है शिक्षा रूपी विजय एजुकेशन का मंदिर जिसको किसने बनाया है आपने देखो भाई साहब बड़ा ही खुश है आज और इससे पहले ये बड़ा उदास था सो रहा था ए, दो बजे के आसपास ये सो गया था इसको अपन ने सवा पाँच बजे साढ़े पाँच बजे जगाया अंदर बुलाया चाय वाई इसको पिलाई अपन ने बहुत नाराज था बड़ा दुखी था ये कह रहा था कि मैं नहीं आऊँगा अंदर चाहे कुछ भी हो जाए है ना और जो है मतलब नाराज था पता नहीं अब मैं पूछूंगा इससे कि एग्जैक्ट क्या कारण था है ना हाँ बिल्कुल लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा खुश हैं ये आंकड़ा देख करके जो ये सामने दिख रहा है है ना चार पचास चार लाख पचास हजार बहुत ही बड़ी बात ठीक है विजय परिवार के लिए बच्चों और वास्तव में बच्चों ये चाहे कुछ भी कहें यह तो नहीं सोचा था ये कभी नहीं सोचा था क्योंकि सोचेंगे भी क्यों भाई एक एक छोटे से गांव से शुरुआत हुई एक बिल्कुल किसान परिवार से एक छोटे से गांव से यह सफ़र शुरू हुआ और आज मेरे दोस्तों यहाँ तक पहुँचे तो सब कुछ आपकी वजह से सब कुछ आपके प्यार की वजह से आपके सपोर्ट की वजह से ठीक है ये बच्चे पूछते हैं सर ये एनर्जी कहाँ से आती है ठीक है ना आप लगातार बारह बारह घंटे क्लास लेते हो ठीक है तो ये एनर्जी बच्चों आपके सपोर्ट की वजह से आती है आपके इस प्यार की वजह से आती है आपके सम्मान की वजह से आती है आपके इस बहुमान की वजह से आती है आपके इस लाड की वजह से आती है आपके परिवारजनों के सपोर्ट की वजह से आती है और ये एनर्जी हमेशा दिन धुनी और रात चोगनी होती रहेगी है ना मेरे दोस्तों हमेशा जो है ईश्वर का आशीर्वाद रहा है आपके ऊपर और हम सब के ऊपर हमने जो पढ़ा आपको जो पढ़ाया वही हमारे एग्जाम में आया बच्चों ठीक है और इस नए साल पर डबल दोहरी खुशी आपने दी है इस अपने विजय परिवार को और हमेशा याद रखा जाएगा और इस पल को कभी भूलेंगे नहीं मेरे दोस्तों कभी भूलेंगे नहीं इसलिए आपका विजय परिवार आपके हर एक मेरे दोस्तों जो है मुश्किल वाले दौर में हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा और बिल्कुल एकदम से फोर फोर नाइन 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 आंकड़ा बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है और बच्चे भी जो हैं मतलब कि इस आंकड़े के साथ मजाक कर रहे हैं है ना बिल्कुल तो बहुत ही अच्छा बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार है ना फिर से आंकड़ा बढ़ गया फिर से घट गया फिर से बढ़ गया है ना बहुत अच्छा दौर चल रहा है भाई बहुत अच्छा चल रहा है हाँ चलो अच्छी बात है दो क्वेश्चन और हैं अपन कर लेते हैं फिर एंड करते हैं सेशन को है ना हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एंडोस्पर्म आफ्टर फ्यूजन विद मेल गेमेट क्या लिखा कि मेल गेमिट के फ्यूजन से एंडो कौन बनाता है क्या बोला मेल गेमिट के फ्यूजन से यह देखो यह बच्चों पोलन ग्रेन है पराग कण पोलन ग्रेन में दो नर युग्मक होते हैं यह पहला मेल गेमिट है है ना और यह दूसरा मेल गेमिट है सेकंड मेल गेमिट यह जो सेकंड मेल गेमिट है ना बच्चों ये आपका ये सेक है और यह इसका पोलर न्यूक्लिया है इसके साथ मिलता है तब बनता है एंडोस्पम क्या बनता है है ना तो बच्चों इस पोलर न्यूक्लियाई जिसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में जब नर युग्मक मिलता है तो भ्रूण पोष बनता है क्या बनता है जब सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में मेल गेमीट मिलता है तब एंडोस्पम बनता है क्या बनता है मित्रों एंडोस्पम बनता है भाई साहब बात सही है कि गलत बिल्कुल सही है बहुत ही बढ़िया और एंडोस्पम का काम क्या होता है इसका काम होता है भ्रूण को पोषण देना भ्रूण को क्या देना पोषण देना नरिशमेंट देना किसको एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन देने का काम करेगा वो एंडोस्पम है ओके अगला क्वेश्चन जीवाश्म सामान्यतः हाँ पाए जाते हैं फोसिल आर जनरली फाउंड इन बताओ देखे फोसिल कहाँ पाए जाते हैं बच्चों फोसिल नॉर्मली आपको कहां पर मिलेंगे बहुत बता जल्दी बताओ झुंझुनू में अरे भाई साहब झुंझुनू की बात थोरी ना कर रहे हैं अरे यूपी बिहार एमपी हरियाणा में मिलेंगे कहा अरे नहीं बाबो अरे भाई कौन सी चट्टान में मिलेंगे वो बताओ सेडिमेंट्री रॉक मेटामोर्फिक रॉक अग्नेय रॉक बी एंड सी बताओ देखे तलछट, रूपांतरित आग्नेय कौन सी भाई अरे बताओ कौन सी रॉक और आज तो बच्चों आपने भी कर दिया है रॉक है ना बिल्कुल आपने रॉक किया है गणपत कुमावत जी रिया यादव जी राजू कुमार नरेंद्र प्रताप गौतम कुलदीप प्रजापत निकिता प्रजापति अनाया खान विनीता शर्मा कल्पना शर्मा पूनम कुमारी सुशांत फोडर कुलदीप प्रजापत छोटी सिंह नेहा यादव कीर्ति कुशवाहा निधि राज नीलम कोमल है ना स्विता पाल हाँ मुकेश मेघवाल हाँ इसके बाद में आ, नीता राज आ, चुटकी चारुल राठौड़ बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया हाँ वेरी गुड जी वेरी गुड शाबाश शाबाश एंड शाबाश हाँ सेडिमेंट्री रॉक बिल्कुल सही बता रहे हो भाई साहब सेड्रीमेंट्री रॉक तल छट है ना तल का मतलब तली में है ना बिल्कुल इसी के अंदर तो मिलेगा ना अरे इसी में तो मिलेगा हो गए सारे क्यूशन हो गए सारे क्वेश्चन क्या भाई आज के क्वेश्चन तो हो गए और मैं एक जाते जाते बात बोलूंगा मेरे मित्रों विजय एजुकेशन के साथ अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं तो विजय परिवार के साथ आप आज ही जुड़ जाइएगा आपसे फीस नहीं ली जा रही है केवल एप का चार्ज लिया जा रहा है आपको केवल पढ़ना है आपको सलेक्शन लेना है इस बार तो मेरे दोस्तों इस विजय परिवार के जीत बेच में जुड़े अगर आप राजस्थान से है तो हरियाणा एम छत्तीसगढ़ उत्तराखंड और इसके अलावा मेरे दोस्तों पंजाब महाराष्ट्र है ना दिल्ली अगर आप इन राज्यों से हैं झारखंड तो बच्चों आप ब्रह्मास्त्र बेच के साथ में जुड़िएगा अगर आप बच्चों बिहार से हैं तो लक्ष्य और अगर आपको केवल अलग से बच्चों एम्स की तैयारी करनी है तो विजेता और अगर आप यूपी से हैं बच्चों तो आप इस अटल बेच में जुड़िएगा यूपी के लिए अटल बेच है बिहार के लिए लक्ष्य बेच है राजस्थान के लिए जीत है है ना और बाकी राज्यों के लिए ब्रह्मास्त्र है ये चार बेच है कोई भी तैयारी करनी हो एम्स की हो स्टेट की हो कोई भी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी फिजियोथेरेपी एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये बेच है इनमें अगर आप जुड़ोगे ना बच्चों और पाँच छः महीने लगातार पढ़ोगे बहुत ही बढ़िया कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा ये मैं भरोसा दिला सकता हूँ जम के पढ़ेंगे बढ़िया मेहनत करेंगे आगे बढ़ेंगे अगर आप विजय परिवार के साथ जुड़े हुए हो तो आप अपने साथियों को अपने दोस्तों को इस विजय परिवार के बारे में ज़रूर बताना मेरे दोस्तों क्योंकि हमारे मेरे दोस्तों आ, अगर कोई ब्रांड एम है तो वो आप हैं भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं है ना हम बढ़िया पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। हम मेहनत अच्छी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो आप लोगों तक पहुंचाइएगा जो भी हमारी कमियां हैं वो भी बताइए हमारी अच्छाइयां हैं तो भी बताइए बस मैं यही कहना चाहूंगा है ना और आप सभी को मैं दिल से मेरे दोस्तों थैंक यू आपके गार्जियंस को मैं प्रणाम करना चाहूंगा इस अवसर पर और तमाम बच्चों को मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि यह विजय परिवार हमेशा आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देगा बढ़िया से बढ़िया टीम विजय एजुकेशन पर हमेशा आपके साथ रहेगी यह मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ इस 2024 के अवसर पर आप सभी को मेम्बर दोस्तों अगेन हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहता हूँ आपकी पूरी फैमिली के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ मेरे दोस्तों आप अपने जिंदगी में लगातार प्रगति करते रहें उन्नति के पथ पर अग्रसर होते रहें बस यही कहूँगा और वही बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया तो मुश्किल क्या और आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया मेरे दोस्तों इस एजुकेशन के फील्ड में कुछ भी नामुमकिन नहीं जिस मंजिल के मेरे दोस्तों जिस मंजिल तक पहुंचने का आपने ठान लिया है उस तक आप पहुंच पाओगे मेरे दोस्तों ये जो रास्ता जिस पर आप चल रहे हो ये बिल्कुल सही रास्ता चुना है आपने इस नए साल पर बच्चों अगर आपके अंदर आपको लगता है कि कहीं कोई कमी है कहीं कोई नकारात्मकता है कहीं कोई नेगेटिविटी है भाई साहब उसको आप जो हैं बाहर फेंकिए और एक संकल्प इस नए साल पर जरूर लेना बच्चों ठीक है ना आपके परिवार में आपके घर में है ना मैं तो कहता हूं मेरे दोस्तों ईश्वर का अगर कोई रूप है तो वो आपके गार्जन आपके माता पिता हैं है ना उनकी बताई हुई हर एक बात को फॉलो करिए है ना आपके बारे में अगर कोई अच्छा सोचता है तो एक तो आपके गार्जन है और दूसरे आपके गुरुजन है है ना तो मेरे दोस्तों इनके बताए हुए रास्ते पर चलिए आगे बढ़िए आप एकदम सही ट्रैक पे हैं मुझे तो बढ़िया लग रहा है कि आप जितने भी बच्चे हो है ना हाँ मेरे दोस्तों बिल्कुल सही ट्रैक पे हो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो बढ़िया मेहनत कर रहे हो इस बार हम ये चाहते हैं कि बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में चाहे वो यूपी हो या एमपी चाहे वो बिहार हो या राजस्थान हरियाणा हो या छत्तीसगढ़ उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश दिल्ली हो या पंजाब महाराष्ट्र हो या गुजरात हर एक स्टेट के अंदर अपना विजियंस होना चाहिए मैं तो चाहता हूं बीएससी नर्सिंग के कॉलेज में अगर कोई बच्चा जाता है तो उसका रास्ता ये विजय एजुकेशन ही होना चाहिए मेरे दोस्तों हंड्रेड परसेंटेज सीटों पर अपन बच्चे यहाँ से भेजेंगे ये अपने को विश्वास है और बिल्कुल बच्चों है ना एक पॉजिटिविटी के साथ पढ़ना है कोई दबाव नहीं कोई प्रेशर नहीं कोई होपलेस होकर के नहीं एकदम पॉजिटिविटी से आगे बढ़ना है बस मैं यही कहना चाहूँगा भाई साहब और चूंकि मेरे साथ एच पूनिया सर भी आए हैं एच पूनिया सर जियोग्राफी के लेक्चरर हैं मेरे दोस्तों और बहुत ही जल्द असिस्टेंट कॉलेज प्रोफेसर बनने जा रहे हैं एच पूनिया सर जो कि मेरे बड़े भाई भी हैं और मेरे दोस्तों जी के हैं जियोग्राफी है करंट अफेयर है इस तरह के जो चैप्टर और इनके जो टॉपिक होते हैं वो हमेशा पढ़ाते हैं विजय एजुकेशन के अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बेच में कुछ राज्यों में जी आता है तो वहाँ पर भी है। पूर्णिया सर पढ़ाते हैं जैसे एम्स में जीके आता है एम्स नर्सिंग में यूपी में जीके आता है है ना तो जहाँ जहाँ पूछा जाता है वहाँ तो सर पढ़ाते ही हैं इसके अलावा लेब असिस्टेंट की वेकेंसी में पढ़ाते हैं और आ, सर अपने आप में एक अच्छे मोटिवेटर भी हैं और हमेशा बच्चों को सपोर्ट भी करते हैं हमें भी गाइड करते हैं तो मैंने जो है एक बार आपको और बेस्ट विशेष दे देने के लिए एच पूनिया सर को बुलाया है और बाकी तो मेरे दोस्तों जो हैं पूरी टीम की तरफ से बस मैं एक ही बात बोलूंगा हैप्पी न्यू ईयर तो एच पुनिया सर बच्चों को अगर आप कुछ अपनी तरफ से स्पेशली कहना चाहें तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका विजय सर और सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को और हमारे विजयस को अपनी पूरी टीम को मेरी ओर से हैप्पी न्यू ईयर आपको इस नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएँ और जल्द ही हमें ये खुशखबरी मिले और हम ये मैसेज देखना चाहते हैं कि सर मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है सर मुझे कॉलेज मिल चुकी है तो ऐसे मैसेज का इंतज़ार हम कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे जो पहला है मैं कुछ दो चार बातें आपको बताऊंगा वो बातें अगर आप ध्यान रखते हैं उन बातों पे आप थोड़ा गौर करेंगे तो कन्फर्मली आप है जो सफलता के बहुत नज़दीक पहुंच जाएंगे यानी अगर आप मेहनती हैं अगर आप मेहनत करते हैं तो ये मान लीजिए कि आप नाइन्टी परसेंटेज तो बिल्कुल सफलता के पास हैं लेकिन कुछ बच्चों में एक हेजिटेशन होता है एक प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूँ लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दुष्यंत कुमार की ग़ज़ल है जो काफ़ी मैं उससे बहुत मोटिवेट होता हूं और वो मैं ग़ज़ल आपको आज सुनाना चाहता हूं हमेशा मेरी क्लास में जब भी मैं जीके की क्लास लेता हूं तो ये गजल ज़रूर सुनाता हूं दुष्यंत कुमार की ग़ज़ल है सुनिएगा हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए मेरे सीने से नहीं तो तेरे सीने से सही हो कहीं भी लेकिन ये आग जलनी चाहिए तो आपके अंदर एक आग एक जुनून होना चाहिए अपनी कॉलेज प्राप्त करने का अपना टारगेट अचीव करने का अब एक बात जो मैं आपको बताना चाहता था कुछ बच्चे यही मैसेज करते हैं कि सर पढ़ते हैं याद नहीं होता ठीक है सही बात है मैंने आपकी पिन पॉइंट जो नब्ज आपकी मैंने पकड़ी है यही बच्चे कहते हैं एक बार पढ़ने से याद नहीं होता दो बार पढ़ने से भी याद नहीं होता दोस्तों अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो आपको ट्वेंटी परसेंटेज याद होता है अगर आप दो बार पढ़ेंगे आपको थर्टी परसेंटेज याद होगा आप तीन बार पढ़ेंगे तो आपको पचास परसेंट याद होगा तो दोस्तों क्या तीन बार सिलेबस करने से सिलेक्शन हो जाएगा नहीं दोस्तों पचास नंबर आएंगे आपको सिलेबस को बार बार रिवीजन करना पड़ेगा आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे आपको याद होगा जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं आप सोच रहे हैं कि उनके ज़्यादा नंबर आने उनके पास कोई औषधि है कोई दवाई है कोई मेडिसिन है कोई मेडिसिन नहीं है आप एक बार रिवीजन करते हैं वो चार बार रिवीजन करता है ये प्रयोग हमने खुद के साथ करके देखा है मैंने मेरे साथ करके देखा है तो आप जितना आपको पढ़ाते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए आप सोच रहे हैं कि मुझे याद है सर कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप उसको रिवीजन करना नहीं छोड़ें आज याद है आप परसों उसमें से काफ़ी चीज़ें आपसे मिस हो जाएगी इसलिए सबसे ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करिए और हम ये दुआ करते हैं इस नए वर्ष पर कि आपको तुरंत है जो सफलता मिले और उसकी मिठाई हमारे इस स्टूडियो तक पहुँचे अब एक दिक्कत आती है मोस्टली गर्ल्स में भी आती है बॉयज़ में भी होती है कि सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं दोस्तों जब सिलेक्शन होगा ना तो आपके सारे अवगुण आपकी सारी प्रॉब्लम्स गायब हो जाएगी आप जब तक संघर्ष करेंगे तब तक आपके मार्ग में ठोकरें आएगी लेकिन हम उनसे आगे बढ़ेंगे और सिलेक्शन लेंगे ना तब कहेंगे कि ये बच्चा जो आपको पहले कहते थे कि इसका होगा नहीं और जब आपका सिलेक्शन होगा ना वही लोग कहेंगे कि आपका तो होना ही था ये तो पहले से ही होशियार था बच्चा आपकी मम्मी को भी कहेंगे ये तो छोटा था तब भी पढ़ता था आपका बेटा तो पहले से होशियार है जो कल ये कह रहे थे कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा अब छोड़ दो 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 साल हो गए तीन साल हो गए लेकिन जब दोस्तों सफलता होती है ना तो सफलता शोर मचाती है लेकिन मेहनत आप खामोशी से करिए किसी को पता मत चलने दीजिए दिन रात एक कर दीजिए लेकिन जब आपकी सफलता मिलेगी तो वो एक दिन शोर मचा देगी आपके गली मोहल्ला क्या गांव में यह खबर फैल जाएगी कि उस बच्चे को बीएससी नर्सिंग में गवर्नमेंट कॉलेज मिला है यह कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है आज भी आप राजस्थान यूपी बिहार के कोई भी कॉलेज में जाएंगे तो वहां आपको हंड्रेड परसेंट बच्चा मिल जाएगा विजय एजुकेशन का बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि सर हम जहां भी गए थे मिले थे तो अपने पचास बच्चे विजय एजुकेशन के थे बिल्कुल तो जितनी मेहनत यहां हो रही है विजय सर जितनी मेहनत कर रहे हैं वो सब आपके लिए हैं और आपको थोड़ा सा भी लगता है कि सर हमें ये होना चाहिए तो वो बात आप तुरंत हमें बता सकते हैं कोई कमी हो या कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो विजय एजुकेशन आपकी सिर्फ पढ़ाई में भी मदद नहीं करता आपकी मेंटली भी मदद करता है हम लोग मानसिक भी मदद करते हैं आपको मोटिवेशन करते हैं तो थैंक यू विजय सर आ, मुझे समय दिया और बताइए क्या कहना चाहते हैं आप बिल्कुल आ, सर आपने बिल्कुल सही बोला बिल्कुल सही जानकारी दी और Uh, मेरे प्यारे साथियों देखिए आप जिस uh, मुकाम को पाना चाहते हैं आप जिस गवर्नमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं देखो हर एक का सपना होता है कि मैं आगे चल कर के नर्सिंग ऑफिसर बनूं या पैरा मेडिकल अधिकारी बनूं हर एक बच्चे का यह सपना है कि सर वो गवर्नमेंट फील्ड में जाएं बच्चों आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं एच पूनिया सर भी उसी फ़ील्ड से बिलोंग करते हैं एच पूनिया सर भी मेरे दोस्तों ए ग्रेड फर्स्ट ग्रेड अधिकारी हैं और खुद लेक्चरर हैं व्याख्याता है मेरे दोस्तों जो बड़ी क्लासों के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाते हैं और आने वाले समय में कॉलेज के अंदर भी असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर सेलेक्ट बहुत जल्द होने वाले हैं तो इसलिए एक ऐसी टीम से आपको कहीं ना कहीं बच्चों बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हमेशा विजय एजुकेशन की टीम आपको बच्चों मोटिवेट करेगी तो बस किस्मत के भरोसे मत बैठिए सर ने कहा है कि बार बार पढ़ते रहिए बार बार मेहनत करते रहिए है ना सेलेक्शन बच्चों आपके लिए बहुत बड़ी चीज है क्योंकि देखो सभी के परिवार की स्थिति एक जैसी होती नहीं और अब तो नर्सिंग कॉलेज के प्राइवेट कॉलेज में भी नर्सिंग कोर्स के प्राइवेट कॉलेज में भी और पैरामेडिकल कोर्स के प्राइवेट कॉलेज में भी अब डायरेक्ट एडमिशन बंद हो गया है एग्ज़ाम तो कंपलसरी कर दिया सारे स्टेट में तो जब एग्ज़ाम कंपलसरी है तो हम बढ़िया मेहनत करके गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे प्राइवेट में क्यों जाएँ एक बच्चा प्राइवेट से बी एस सी नर्सिंग करता है तो चार साल का टोटल खर्चा लगभग से दस लाख का आता है और, तो 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 और स्टाई फंड मिलता है फंड का मतलब है यूनिवर्सिटी और कॉलेज की तरफ से आपको सामने पेमेंट मिलता है तो भाई साहब जब इतनी फैसिलिटी है गवर्नमेंट में और नौकरी पक्की है बच्चों

ज्यादातर बच्चे वही मिलेंगे अपने विजियंस मिलेंगे कोई अटल बेच का कोई विजेता बेच का कोई ब्रह्मास्त्र बेच का कोई अपने जीत बेच का बच्चा होगा है ना राजस्थान के अंदर तो अगर किसी कॉलेज में सौ सीट है तो उनमें नब्बे बच्चे अपने विजियंस है यूपी के अंदर किसी कॉलेज में अगर सौ सीट है तो उनमें से अस्सी बच्चे एट्टी स्टूडेंट राजस्थान के सॉरी अपने विजय एजुकेशन के है ना अगर बिहार के अंदर भी लगभग सेवनटी परसेंटेज एटी परसेंटेज बच्चे विजियंस है आज मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व होता है प्राउड होता है कि हमारे यहां से मुझे याद है कि एक फैमिली हरिद्वार जा रही थी उत्तराखंड तो वहां एक बच्चा क्लास देख रहा था ट्रेन में बैठ करके तो पास में जो फैमिली बैठी थी उन फैमिली वालों ने बोल दिया कि हम जो हैं डेजर्ट मरुस्थल एरिया बाड़मेर जैसलमेर से बिलोंग करते हैं तो उन बच्चे ने पूछा कि वहां से तो हमारा विजय एजुकेशन भी है क्या आप हमारी विजय टीम को जानते हो क्या विजय सर को जानते हो उन लोगों से पूछा और वो लोग हमारे यहाँ के लोकल थे वो जब वापिस आए तो उन्होंने मुझे कहा कि सर हम जिस ट्रेन से हरिद्वार जा रहे थे उत्तराखंड जा रहे थे उस ट्रेन में आपके विजय एजुकेशन के पढ़ने वाले बच्चे मिले हमें मतलब कितनी अच्छी बात है कि मतलब एक अपना विजय परिवार आज इंडिया के हर एक कोने में पहुंच रहा है बच्चों है ना आप सब हमारे लिए एक प्राउड हो बच्चों आप सब हमारे लिए एनर्जी हो हमारा जुनून हो हमारा जोश हो तो इसलिए मेहनत करते रहना है ना आज आप पढ़ते हो ना तो अपना विजय एजुकेशन भी बड़ा बन रहा है आपके परिवार का नाम बड़ा हो रहा है आपके खुद का नाम बड़ा हो रहा है आज आपको मौका मिला हुआ है चांस मिस मत करना नया साल नया संकल्प लीजिए और आगे बढ़िए बच्चों देखिए आपके लिए जरा सोचिए आप कि आपके फैमिली मेंबर ने आपके परिवार वालों ने हमेशा एक नया सपना देखा है परिवार वाले आपके ऊपर कुछ थोप नहीं रहे हैं कि बेटा तेरे को ये बनना जरूरी है लेकिन वो ये जरूर अपने खुद से कहते हैं कि ये कोर्स करना जरूरी है आगे गवर्नमेंट जॉब तो वैसे ही मिलेगी लेकिन वो तभी तो मिलेगी ना जब हम एक बढ़िया प्रोफेशनल कोर्स कर लेंगे तो ये अब आपको मौका मिला है मेरे दोस्तों वो योग्यता अर्जित करने का पूरी तरह से झोंक दीजिए जितनी मेहनत कर सकते हैं है, दिक्कतें आती है तो आने दीजिए अगर चार घंटे दो घंटे नींद कम ले लोगे तो चलेगा है ना मेरे दोस्तों लेकिन पढ़ना है इस बार हमें सिलेक्शन लेकर के दिखाना है इस बार उन सब लोगों को ये दिखाना है जो आपके बारे में आपके परिवार के बारे में जिन्होंने फैलाई है बहुत सारे ऐसे लोग हैं मैंने देखे हैं जो कई बार बच्चों को मतलब बहुत ही कम आंकते हैं कि यार तू कुछ नहीं कर सकता तेरे को कुछ आता जाता तो है नहीं चुप रहे ठीक है ना ऐसी बातें अक्सर आपके साथ होती है और आपने देखा भी होगा बहुत से लोग हैं जो हमें बोलने नहीं देते कई बार हम बोलते हैं तो हमें चुप करवा दिया जाता है कि तू बीच में मत बोल तेरे को कुछ ज्यादा जानकारी है क्या तो उन सब लोगों को मेरे दोस्त अगर जवाब देना है तो अपनी मेहनत से दीजिए अपनी बेहतरीन तैयारी से दीजिए मैं कहना चाहता हूं बच्चों अपने परिवार की वैल्यू बढ़ाइए अपने कि वो अपनी गर्दन को ऊपर उठा करके चले और हमेशा उनको उदाहरण दे कि देखिए फला, फला फला का मेरे दोस्तों जो बेटा था वो आज वहां पर पहुंच गया एग्जाम्पल दे लोग आपको कॉल करके पूछे दोस्तों आज आप बी नर्सिंग में एडमिशन लोगे तो कल को आप नर्सिंग ऑफिसर भी बनोगे तो इसलिए कहना चाहता हूँ ये रास्ता आपको बनाना है आपको तैयार करना है और आप कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं डरना नहीं घबराना नहीं कोई दिक्कत आती है हमें बताओ हम आपके साथ हैं एक परिवार आपका कैमरे के उस तरफ है जहाँ आप अभी हैं और एक परिवार इस कैमरे के सामने है तो ये जो कैमरे के सामने वाला परिवार है ये भी आपको उतना ही सपोर्ट करेगा जितना आपका अपना परिवार करता है आपके परिवार की तरह आपका परिवार बन करके आपके भाई आपके गार्जियन बन करके हम मदद आपके लिए करेंगे ये विजय एजुकेशन हमेशा आपके साथ है मेरे दोस्तों बहुत ही बेहतरीन और शानदार टीम हमेशा आपके लिए रहेगी कोई कमी नहीं रहने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए मेरे दोस्तों थैंक यू सो मच जय हिंद अगेन हैप्पी न्यू ईयर एच पुनिया सर को बहुत बहुत थैंक यू विजय एजुकेशन की पूरी टीम को जितनी हमारी टीम है टेक्निकल टीम नॉन टेक्निकल पढ़ाने वाली टीम सभी को भी मैं इस विजय स्टूडियो की तरफ से पूरी विजय टीम की तरफ से सभी बच्चों की तरफ से भी बधाई देना चाहूंगा और विजय टीम की तरफ से बच्चों आपको भी बहुत सारा आशीर्वाद बहुत सारा प्यार हैप्पी न्यू ईयर बेस्ट ऑफ लक और बड़ों को प्रणाम थैंक यू सो मच जय हिंद और वंदे मातरम थैंक यू